कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th टू एमकॉम, CACSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों स्वागत है आपका KKCMA में और मैं हूँ KK सर, और आज हम आए हैं अकाउंट्स के रिवीजन के लिए। दोस्तों फटाफट से कमेंट्स करके आपका सिटी का नाम बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, नासिक कर, पुणे कर, जहां जहां से हो आपका प्लेस फटाफट से बताइए दोस्तों। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली आज का मॉर्निंग गुड ही होने वाला है। आज आप इतना कुछ लेके जाने वाले हो, सेटिस्फेक्शन के साथ जाने वाले हो, 10 मार्क्स का कंफर्मेशन साथ में लेके जाने वाला हो। 10 ने वैसे तो ये 12-13 मार्क्स है, और वो कैसे है कंफर्म करेंगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यस, पुणे 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 तिथे काय उने, सगे पुणे करत आहेत। नासिक वालों कहाँ पे हो? ओके, PCMC टू बी स्पेसिफिक, पुणे, अहमदनगर, नासिक वाले भी मिल गए। दुबई, अरे भाई दुबई कर क्या बात है, दुबई से भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पुणे, नासिक, पुणे पुणे पुणे, ओके चलो, पुणे वाले, नासिक वाले सब लोग पहुंच चुके हैं, जनता आ चुकी है। अब होने वाला है कुंभ मेला। अरे दोस्तों, कुंभ मेला नासिक में होता है वो वाला नहीं, ये पढ़ाई का कुंभ मेला है, और पढ़ाई के कुंभ मेले में KKCMA आपके साथ है। आपने देखा है दोस्तों, कंटिन्यूअसली आपको क्वालिटी कंटेंट, जो जो चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड चीजें आपको टाइम पे देते आ रहे हैं। दिव्य सर ने, दिव्य दादा ने आपको कंटिन्यूअसली 3 दिन में पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इतना हेल्प किया, प्रोज, उसके साथ पोएट्री, इन एडिशन टू दिस कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स, हर एक चीज कवर की, जिसकी वजह से आपको पेपर एकदम जोरदार ढासू गया है। और दोस्तों मतलब लिटरली इतने मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सेटिस्फेक्शन, सबको थैंक यू का मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इतने सेटिस्फाइड है क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट इतना टाइम पे और इतना कम टाइम में, फटाफट मतलब लिमिटेड टाइम में ज्यादा मार्क्स कैसे मिला है, इसके लिए हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए YouTube पे हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन लेकर आ रहे हैं। आज 21 जुलाई, 21, 22, 23, 24, अगले 3 दिन, मतलब आज और अगला नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपको कंटिन्यूअसली कंटेंट मिलता रहेगा सिर्फ अकाउंट्स के लिए। दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या बात, मगरपट्टा सिटी, ओके, अगेन पुणे होगी। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब ये टॉपिक चल रहा है तो आप इस टॉपिक पे फोकस करिए। ऑफ कोर्स 4 टॉपिक है आप अकाउंट्स में, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। जिसके मन में कंफ्यूजन है एक बार वापस क्लियर कर दूं, अकाउंट्स का पेपर 50 मार्क्स का है, ओके। 100 मार्क्स टोटल पर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स का ऑलरेडी एग्जाम आपका कॉलेज में हो चुका होगा, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए थे और 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। पेपर पैटर्न दोस्तों, अब तक हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूं, पेपर पैटर्न के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने अब तक अपना हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, यस, टाइम का असेल, ऐश्वर्याजी टाइम हाच असेल, रोज 11 वाजता भेटू आपण, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था कि अब तक हमने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया है, क्वेश्चन बैंक 4 पार्ट में आप देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक का एक सेपरेट सीरीज है हमारा KK कॉमर्स अकेडमी YouTube चैनल पे ही, YouTube चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, क्वेश्चन बैंक का सेपरेट सीरीज है, जिसमें आपको इंग्लिश इन एडिशन टू दिस अकाउंट्स और उसके साथ साथ मैथ्स भी मिल जाएगा। सर बाकी सब्जेक्ट का क्या, अरे दोस्तों पेपर तो आने दो, हम आपके साथ है ना, किधर जा रहे हो, आप भी और हम भी साथ में तो है, साथ दे रहे हैं, आप भी साथ दे रहे हो तो हम भी साथ निभाएंगे डेफिनेटली। आपका जो प्यार बरस रहा है वो प्यार थोड़ा सा बढ़ना चाहिए दोस्तों रिटर्न में, मतलब देखो 55%, मैंने कल ही देखा जैसे मैंने आपको बताया भी, 55% ऑफ द सब्सक्राइबर्स, सॉरी 55% ऑफ द व्यूअर्स डिड नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, मतलब क्या दिक्कत है भाई, मतलब क्या चाहिए क्या, और आपको जो जो चीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक का आंसर बैंक हमने दे दिया, पेपर पैटर्न चाहिए उसका सेपरेट से वीडियो बना दिया, नोट्स चाहिए फ्री में तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के फ्री में नोट्स वो अवेलेबल करवा दिए, उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया कि आपको नोट्स कैसे और कहां पे मिलेंगे। यस, तो ये सब चीजें हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, फिर भी आपकी और भी रिक्वायरमेंट्स है तो हम फुलफिल करने का अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और आंसर बैंक की PDF भी KKCMA ऐप में अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों
ये सब कुछ अवेलेबल करने के बावजूद भी आपको कुछ डाउट है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लगता है कि एक मिनट में सब कुछ काम हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीडीएफ ओपन हो रहा है तो लोड होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और हमारे तरफ से रिप्लाई आने में भी थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बच्चों, हजारों बच्चों के, फिर भी हमारी टीम, हमारी टेक्निकल टीम पूरी तरह से काम पे लगी है कि आपको एज फास्ट एज पॉसिबल रिप्लाई कर पाए, बट कभी कभी डिले हो जाता है, तो भाई संभाल लीजिए हमें, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया और ऐप में कुछ भी नहीं मिला, इट मे हैपन, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, सर ऐप में तो बैचेस का ऑप्शन ही नहीं है, आप बता रहे हो कि बैचेस में नोट्स मिलते हैं, वहां पे तो बैचेस का ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता दूं, ऐप डाउनलोड करने के बाद नॉर्मली आपको ऊपर फर्स्ट आपको नेम और मेल आईडी लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद नीचे ऑप्शन होता है साइन इन एज अ पेरेंट, ऑप्शन होता है साइन इन एज अ पेरेंट, और वहां पे आप गलती से टिक कर रहे हो बच्चों, बिना पढ़े अपने को रीड करने की आदत नहीं, टिक कर दिया आगे चले गए, टिक करने की वजह से आप एज अ पेरेंट लॉग इन हो जाते हो ऐप में, और जब एज अ पेरेंट आप ऐप में लॉग इन करते हो तो ऑफकोर्स आपको नोट्स नहीं मिलेगा। दोस्तों हमने ऐप ऐसे इस तरह से डेवलप किया हुआ है ये ऐप, कि इवन अगर आपके पेरेंट्स, अभी तो आप सब बच्चे ही हो नॉर्मली जो लेक्चर देख रहे हो, इवन आपके पेरेंट्स अगर सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो वो अपने बच्चे का पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, कितने टेस्ट हुए, कितने अटेंडेंस हुआ, ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए हमने वो ऑप्शन दिया है। तो अगर गलती से ऐसा हो गया है, आपको इवन वहां पे ऑप्शन भी दिखेगा डाउनलोड करने के बाद चाइल्ड के बारे में, तो समझ जाओ अपने से, मतलब आपसे मिस्टेक हो गई है। तो इन सच सिचुएशन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होने का कुछ सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो ये नंबर रहा 8483822271। ऐप पे सब कुछ ट्राई कर लिया, मैसेज कर लिया, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? दोस्तों नंबर भी दे दिया मैंने, ये नंबर पे आप कॉल करो, इन केस अगर कॉल बिजी आता है, जैसे ही हमारी टीम फ्री होती है आपको कॉल बैक 100% मिल जाएगा। ओके, सब कुछ आपके लिए चल रहा है, बट ये कुंभ मेला है तो कुंभ मेले में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। हजारों लोग अगर आ रहे हैं, मतलब बरस रहे हैं, इतने क्राउड है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है, संभाल लिया करो। ओके, पुणे हड़पसर, हड़पसर में तो फुल आग लगी जोरदार भाई, टिप टिप बरसा पानी, फिलहाल पानी बरस रहा है, हड़पसर में आग लगी है, बढ़िया। तो ऐप फ्री आहे का? यस, ऐप फ्री आहे, अजून पण हेच विचारत आहे मुलांना। मी तुम्हाला सांगितलं की ऐप डाउनलोड केल्यानंतर त्याच्यात नोट्स पण फ्री आहे, ऐप डाउनलोड केल्यानंतर क्वेश्चन बँक जी युनिव्हर्सिटीने दिली आहे त्याची आन्सर बँक आम्ही दिली आहे, ते पण फ्री आहे। आणि जे मल्टिपल सब्जेक्टच्या क्वेश्चन बँक्स, ते तुम्हाला सगळं अवेलेबल करून दिलंय, व्हॉट एल्स वी कॅन डू, ठीक आहे। पासिंगसाठी किती मार्क्स आहे स्टुडंट्स? पासिंग हा तुमचा 50 मार्क्सचा पेपर आहे, लक्षात ठेवा SPPU। दोस्तों आपकी पुणे युनिव्हर्सिटी का पॅटर्न क्लिअर आहे, 40% पासिंग, कोई भी एग्जाम, कोई भी 40% तो कॅल्क्युलेट कर लो ना यार, 50 का 40% आता है 20 मार्क्स। ओके, तो 20 मार्क्स का पासिंग है, सिर्फ पासिंग का टारगेट मत रखो बच्चों, अगर सिर्फ पासिंग का टारगेट हो तो लेक्चर को बाय बाय कर दो, सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही पास हो जाओगे जुगाड़ करके, क्योंकि पेपर पैटर्न ही ऐसे, मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ पास होना ही आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप KKCA का लाइव लेक्चर देख रहे हो तो दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 में से 50 मार्क्स कैसे लाएंगे, 50 में से 50 ही आने चाहिए, यही हमारा ट्राई है, उसी तरह से हम मेहनत भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पासिंग तो होगा 20 मार्क्स, और एक सवाल आया है कि पेपर को टाइम कितना मिलेगा। दोस्तों एज पर द इंस्ट्रक्शन, आपने अगर टाइम टेबल देखा होगा तो टाइम टेबल के हिसाब से 2 आवर्स दिए, राइट, 2.5 आवर्स, ओके 2.5, एक्चुअली वो 2.5 उन्होंने सब पेपर को सेम टाइम दे दिया है, यस, लेकिन पूरे टाइम टेबल के नीचे लिखा हुआ है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पर आवर, पर आवर। ओके, एक्चुअली कल ऐसा हुआ बच्चों, कल जो मतलब इसके कल इन द सेंस इसके प्रीवियस जो पेपर हुआ अकाउंट्स का कंपलसरी इंग्लिश का, सॉरी, तो अब इंग्लिश के पेपर में अलग अलग टाइम पे मतलब कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम दिया गया, और जैसा मैंने जितना मैंने सुना 2.5 घंटे नॉर्मल टाइम दिया गया था बराबर, और पर आवर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बोला था, तो 15 मतलब 2 घंटे के 30, और वो जो हाफ आवर था उसका 15 का हाफ 7.5 मतलब 8 मिनट, तो ऐसे 38 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। ऐसा भी है किसी किसी कॉलेज में वो डिफर कर रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें 2.5 घंटे ही दिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मतलब एक मैसेज तो मैंने, मैं सोच रहा था 6:15 तक पेपर चल रहा था, बोले 6:15 तक, भाई ऐसा कैसे हो गया 6:15 तक कैसे, मतलब ये तो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मली बच्चों आप ये पकड़ के चलो कि पर आवर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो अगर 50 मार्क की बात करें, यस 50 मार्क की बात करें, तो मुझे तो लगता है 2 घंटा ही टाइम मिलना चाहिए,
ठीक है, और चलो 15-15 मिनट का बोनस भी पकड़ लो तो 2.5 आवर। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेटर अलाउड है का? यस कैलकुलेटर अलाउड है, बट दोस्तों मेक श्योर आप जो कैल से लेकर जाओ वो सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके सिंपल, यस ऐसा वाला। ठीक है, फोन वाला कैलसी तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं है, सवाल ही नहीं आता। उसके बाद जो साइंटिफिक कैलसी होता है ना, जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे यूज करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी आपके कॉलेज में इतना स्ट्रिक्टली चेक करते हैं क्या? नहीं, डिपेंड्स है, बट जो रूल्स है एज पर एसपीटीयू रूल, ये सिंपल वाला कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, जिसमें कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं होते, साइंटिफिक कैलसी नहीं होता। ठीक है, क्लास पुण्यात पाहिजे, क्या बात है, तुमचं असंच प्रेम असलं तर नक्की पुण्यात पण क्लास येईलच। आम्ही तुमच्यापर्यंत ऑनलाईन तर पोहोचलो आहे, ऑफलाईन पण पोहोचायचा प्रयत्न करूया। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम के बारे में मेरा एक सजेशन रहेगा, हमें 2.5 आवर टाइम टेबल में दिख रहा है ना, वही प्राइम पकड़ के चलो, अगर मिल गया तो बोनस एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन 50 मार्क्स का पेपर है तो टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे कंप्लीट करें। और बच्चों में बताता हूँ, आप अगर 4 दिन मेरे साथ जुड़े हुए हो, आज 21, 22, 23, 24, चारों दिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 2 घंटे में आप पेपर कंप्लीट करके फ्री रहोगे। आप खुद बोलोगे सर इतना टाइम क्या करना है, 3 घंटे क्या क्या लिखेंगे। और बच्चों अकाउंट्स का पेपर है, इसमें यह मत समझना कि जितना बड़ा साइज रहेगा, जितने बड़े आंसर उतने ज्यादा मार्क्स। नॉर्मली हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में, सर वो स्केल लेकर बैठे जैसे कि एकदम मेजरमेंट लेकर बैठे, मेजरमेंट का टेप, जितना बड़ा आंसर उतने ज्यादा मार्क्स। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मिसकंसेप्शन निकाल दो माइंड से। शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन रहेगा, चलो वहां पे आप ये रख सकते हो माइंड में कि थेरी क्वेश्चन है तो उसमें थोड़े बड़े आंसर लिखने, बाकी प्रैक्टिकल में तो जितना क्वेश्चन है वैसा है आंसर, जितना आंसर है उसमें कोई बढ़ाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास कौन से सिटी में है? दोस्तों सेशन के एंड में मैं आपको क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यस यस टाइम सफिशियंट है दो, यस ठीक है ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स डिस्कशन चलता रहेगा, डिस्कशन चलता रहेगा। कंक्लूजन ये है कि पेपर है और उसका हमें प्रिपरेशन करना है, बाकी सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज है जिसका नाम है स्टडी। तो दोस्तों स्टडी स्टार्ट करते हैं आज। आज संजीवनी बूटी बैच का पहला दिन है। संजीवनी बूटी क्या है आपको 5 मिनट के बाद बता दूंगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर एंजॉइंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस दोस्तों अभी मोटिवेशन का टाइम आ चुका है, मोटिवेशन की जरूरत भी। भाई स्टडी करना है सर, साल भर तो मजे किए, आधे साल तो मजे किए, फिर जाके पता चला कि एग्जाम होने वाली है। जब एग्जाम होने वाली पता चला तो हम रास्ते पे उतर गए, उसमें कुछ महीने निकल गए। हमारी मांगे पूरी करो, एग्जाम कैंसिल करो, अगर एग्जाम लेना है तो ऑनलाइन ही लो, ऑनलाइन नहीं लेना तो ऑफलाइन में एमसीक्यू लो, ऐसी बहुत सारी डिमांड रख के देख लिए। लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी का मूड देख लिया, एग्जाम तो होगा ऑफलाइन ही होगा। ओके तब जाके सोचा कि अब तो पढ़ाई कर ही लेते हैं, एक बार क्वेश्चन बैंक आ जाए फिर स्टडी स्टार्ट कर ही देंगे, ऐसा सोचा। लेकिन क्वेश्चन बैंक आए बहुत दिन हो गए, पढ़ने का मूड नहीं बना। फिर सोचा एक बार टाइम टेबल आ जाए फिर पढ़ लेते हैं, टाइम टेबल भी आ गया लेकिन यार सीरियसनेस नहीं आ रहा। अब सोच लिया चलो भाई संजीवनी बूटी का पहला दिन है आज, आज केकेसीए का लाइव लेक्चर है, आज से ही पढ़ाई कर ले। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, स्टडी टाइम, स्टडी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, माहौल बन रहा है पूरा स्टडी का। तो दोस्तों लेट्स सी, आज 21 जुलाई, मुसीबतें तो आनी है, आगे बढ़ने की जो जो ठानी है, परीक्षा तेरे लिए तैयार होगी, हिम्मत से ही चुनौती पार होगी। तो दोस्तों हिम्मत रखो, डरने की कोई बात नहीं है, केकेसीए आपके साथ है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी आपका जो पेपर है, आपका जो एग्जाम है बहुत बेस्ट जाने वाला है। बस हमें फोकस करना है स्टडीज पे, ना कि रिजल्ट पे, रिजल्ट का टेंशन बाद में लेना छुट्टियों में, फिलहाल स्टडी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो बता दूं आज क्या होने वाला है पूरे यूनिवर्सिटी वालों के लिए, स्पेशली फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में आज संजीवनी बूटी बैच जो है उसका आज Part 1 है, Day 1 है, और आज Chapter Number 1 जो है बच्चों हमारा सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग,
इसके बारे में हम पूरा समरी देखने वाले हैं, टॉपिक का फटाफट फटाफट रिकैप करने वाले हैं, ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो सब चीजें कवर नहीं होगी और डेफिनेटली ये टाइम भी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड सब चीजें पढ़ी जाए, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है वो सब चीजें हम कवर करना चाहते हैं फास्ट में। दोस्तों इवन तो हमने प्रोवाइड किया है इसके पहले आपको क्वेश्चन बैंक, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन बैंक या फिर पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। इसलिए वापिस एक बार बता रहा हूं, पेपर पैटर्न डिटेल में नहीं, जस्ट आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूं। दोस्तों 50 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर है जिसमें क्वेश्चन 1 एंड 2 कंपलसरी है और 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन में से कोई भी दो सॉल्व करने हैं 15-15 मार्क के, तो 15 + 15 हो गए 30 और ऊपर के 20, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स एंड मैच द पेयर फॉर 5 मार्क्स, मतलब ये जुगाड़ के 10 मार्क हो गए, बराबर ना, ठीक है। आप ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे आप जुगाड़ नहीं करते, ठीक है भाई, आप एकदम सिंसियर स्टूडेंट, अच्छी बात है। आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन हे तो जुगाड़ वाले मार्क्स, तो 10 मार्क तो भाई हो गए, 10 मार्क का काम हो गया, आधा पासिंग तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स फॉर 10 मार्क्स, दो शॉर्ट नोट्स लिखने 4 में से, मतलब 5 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स है जो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों ये 10 में से 10 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम ये पॉसिबल कर सकते हैं अगर चारों दिन हम थ्योरी पे भी फोकस करें। नॉर्मली अकाउंट सब्जेक्ट बोले तो माइंड में एक होता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए, अकाउंट पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन पूरे मार्क्स मिलाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं थ्योरी को भी बैलेंस रखना पड़ेगा, थ्योरी को भी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है रॉयल्टी अकाउंट्स, लीज, अकाउंटिंग फॉर लीज, लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है जिसमें से वर्किंग नोट एक टेबल बनाया जाता है पहले जो 2 मार्क्स के लिए और 13 मार्क्स है जर्नल एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न के हिसाब से मुझे चांसेस कम लगते हैं कि आपको लेजर पूछा जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नाम भी दिया है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो 2 + 13 = 15 मार्क तो ये बन गए। अकाउंटिंग फॉर लीज हम रिवाइज करने वाले हैं, 15 में से 15 कैसे मिलेगा वो हम डिटेल में देखेंगे, आज नहीं अगले सेशन में आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, मतलब 4 में ए और बी है जिसमें ए है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो सिंपल वाला गुडविल है, सिंपल मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब, और 10 मार्क के लिए पूछा गया पास जर्नल एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है मुझे, कैसे पूछोगे यार, कैसे पूछा जाएगा। फंक्शन की तो ठीक है पूछ सकते हैं, F1, F2, F3 फंक्शन की इसके बारे में, बट मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट आपको स्किप करना चाहिए, मैं भी मेरे हिसाब से स्किप कर रहा हूं, ये आपको देखना चाहिए और मुझे पूछा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के 10 मार्क और एवरेज प्रॉफिट मेथड के 5 मार्क्स, मतलब ये 15 मार्क के लिए गुडविल वाला चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स 15 मार्क का, और लास्ट चैप्टर नंबर 4 जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 चैरिटेबल ट्रस्ट। ये टॉपिक का नाम लेते ही क्या पता अचानक से बच्चों के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए, सर हा टॉपिक सोडून सांगा तुम्ही, बाकी सगळं करून घेऊ, फक्त हा थोडा डेंजर आहे सर, या टॉपिकचं काही जमत नाही खेळ, आणि याच्यात आमचे मार्क्स जाणारच आहे, ठीक आहे, याच्यात आमचे मार्क्स कन्फर्म जाणारच आहेत, असं सगळं माइंडसेट घेऊन चाललंय स्टुडंट्स। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये माइंडसेट निकाल दो, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, अरे हम बैठे हैं ना, हम बैठे इसलिए आपके मार्क्स डेफिनेटली कन्फर्म करने के लिए ही है, मिलेंगे मार्क्स, क्यों नहीं मिलेंगे, आप अगर प्रॉपरली सॉल्व करोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया पेपर पैटर्न, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये है आंसर क्वेश्चन बैंक जो SPPU ने दिया हुआ है, ठीक है। तो एज पर पुणे यूनिवर्सिटी ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें से चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन के लिए हमने 4 अलग अलग लेक्चर्स बनाए हुए, ये अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा सीरीज है, पहले 4 लेक्चर देख लेना, ये 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, वो अभी मैं कवर नहीं करने वाला। यस, नाउ संजीवनी बूटी बैच, क्या है संजीवनी बूटी बैच। दोस्तों संजीवनी बूटी मतलब जैसे लक्ष्मण जी को एकदम आखिरी सांस वो गिन रहे थे, डेथ बेड पे थे कि अभी ये नहीं बच पाएंगे, ऐसे समय पे हनुमान जी ने उनके लिए संजीवनी बूटी लाके उनको बचा दिया। यस, तो यहाँ पे हम वही रोल प्ले कर रहे हैं, संजीवनी बूटी देने का, आपको बचाने का। तो इस केस में आप हो लक्ष्मण, जो आपको जरूरत है बचने की, हम खुद बन गए हैं हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं। हनुमान जी बहुत महान है, उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फिलहाल हम उनके जस्ट एक पार्ट, 1% रोल प्ले कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए संजीवनी बूटी बैच लेकर आए हैं। और इसमें इन्होंने बाण चलाया था,
मेघना जी रावण जी के पुत्र, ठीक है, तो वो शायद से पुणे यूनिवर्सिटी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। बात चलाने वाले पुणे यूनिवर्सिटी है, लेकिन बचाने वाले आपको हम है केकेसी, आपके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। यस, एनपीओ खुद सोपा है, यस खरच सोपा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमें बस संजीवनी बूटी बैच इसलिए है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड डाउट आप सॉल्व कर सकते हो। ये अगर आप चाहते हो संजीवनी बूटी बैच, तो आपको बता दूं इसमें क्या क्या होगा। पॉइंट नंबर वन, इसमें दो टेस्ट होगी, ठीक है, जो आपका 2019 का पैटर्न है उसी हिसाब से दो टेस्ट होगी। सेकेंड पॉइंट, अनलिमिटेड डाउट, आप जितने डाउट पूछना चाहते हो टॉपिक के बीच में, कोई भी क्वेश्चन में कोई स्टेप है ये कैसे करें, आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आने ही वाले, कंफर्म मतलब एकदम दिल से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये हिसाब से आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, ये जो YouTube लाइव के लेक्चर है, इसके अलावा भी उसमें लेक्चर होंगे जिसमें आपको और ज्यादा प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा और पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा और आपके जितने डाउट है सॉल्व किए जाएंगे। और इसके लिए प्राइस कितना है, सिर्फ ओनली 99 रुपीज, 99 मतलब बच्चों एज गुड एज फ्री, 99 मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। और ये अगर परचेस करना चाहते हो तो आपको सब ऐप डाउनलोड करना है, केकेसीए स्टोर सेक्शन में जाना है, या फिर ऐप डाउनलोड करोगे तो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा आप फर्स्ट पेज में ही, अभी नहीं तो कभी नहीं, संजीवनी बूटी बैच उस पर क्लिक करो, बैच आपके सामने आ जाएगा। नीचे ऑप्शन रहेगा बाय नाउ, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी पेमेंट करो, कोर्स एक्टिवेशन हो जाएगा और उसके बाद आप लेक्चर अटेंड कर पाओगे। और आज अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर वन, ये हम ट्राई करेंगे कि जितना कंप्लीट हो सके आज के सेशन में करेंगे कवर, और अगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो बचा हुआ पार्ट संजीवनी बूटी को बूटी ये बैच में कवर कर लिया जाएगा, और उसका टाइम रहेगा इवनिंग 6 PM। यस, आज शाम को 6 बजे संजीवनी बूटी बैच वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा जो गूगल मीट पे रहेगा, और जो जो बच्चों ने ये परचेस किया हुआ है उनको अलग से लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एनी डाउट, इसके अलावा भी कुछ डाउट होगा तो लेक्चर के बाद यू कैन कॉल अस, ठीक है, नंबर प्रोवाइड किया गया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं, पढ़ना जरूरी है, लड़ना नहीं है। यूनिवर्सिटी से लड़ना हो गया, अब पढ़ना शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर वन जो है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग, इसकी थ्योरी थ्योरी जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, क्रक्स पॉइंट है, वो फटाफट फटाफट कवर करेंगे। सो लेट्स सी दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में दिया है, कंप्यूटर का रोल क्या है। देखो, इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज इन द क्रिएशन ऑफ कंपनी। अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज करें तो ह्यूमन का रोल क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएशन ऑफ कंपनी। मतलब अगर टैली टैली सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा या यूज किया होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी क्रिएशन। सेकंड स्टेप क्रिएशन ऑफ लेजर, लेजर भी हम क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड वाउचर एंट्री, वाउचर की एंट्री, वाउचर मतलब जो इनपुट देना पड़ता है, ये तीन चीजें हमें करनी पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब चांसेस कम बट अगर ऐसा कुछ आ जाए कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तीन चीजें, क्रिएशन ऑफ कंपनी, क्रिएशन ऑफ लेजर एंड वाउचर एंट्री। तर इसके बाद क्या होता है, वंस द वाउचर इज एंट्री, वाउचर एंट्री इज कंप्लीटेड, एक बार वाउचर एंट्री कंप्लीट कर लो, अकाउंटिंग पैकेज जो है वो सब कुछ कर लेता है मेरे भाई, सब कुछ इज रेडी टू जनरेट स्टेटमेंट रिपोर्ट। नॉर्मली जिसको महीने लग जाते हैं, ये आपको घंटों का काम भी नहीं, महीनों का काम मिनटों में, ठीक है, जस्ट मिनट्स में, सेकेंड्स में आपको रिपोर्ट मिल जाता है विद द यूज ऑफ अकाउंटिंग पैकेज। यस दोस्तों, जूम करना है, ठीक है, थोड़ा कंटेंट ज्यादा लिया है मैंने, इसलिए जूम करना थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट होगा, कंटेंट मैंने अच्छा खासा कवर किया है। सिर्फ अगर हेडिंग हेडिंग होता ना बच्चों, देखो तनया जी अभी क्लियर है आपके लिए, मैंने सोचा था पहले सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग बता दे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार थोड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ाते, इसलिए कंटेंट ज्यादा लिया है। ओके नाउ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिक्वायर ट्रांजेक्शन डेटा टू बी एंटर्ड इनटू अकाउंटिंग पैकेज। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सिंपल फंडा है, ट्रांजेक्शन का जो भी डेटा है वो एक बार अकाउंटिंग पैकेज में एंटर कर दो, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस डेटा इज द सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इविडेंस द ट्रांजेक्शन। तो सोर्स ऑफ द डेटा मतलब ये जो डेटा कहां से आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है, जैसे कि परचेस बिल है, सेल्स बिल है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो ये जो वाउचर होते हैं, ये जो रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, ओके ओके अभी क्लियर है, ठीक है। तो ये जो वाउचर्स होते हैं, इसके यूज से इनपुट दिया जाता है, इनपुट डाल दिया जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और फिर उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एनवायरमेंट इसीलिए है कि आपका काम कम हो सके। नाउ कंप्यूटर के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों
बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? तो हर क्वेश्चन का आंसर देना, रिपीट रिपीट पॉसिबल नहीं है तो जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको लगेगा कि वही चीज दो बार बता रहे। तो अगर आपकी कोई भी चीज मिस हो गई, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ आपको लेक्चर स्टार्टिंग से लिखना जरूरी है। बाद में देख लेना, अभी लाइव में अटेंड कर लो, बाद में देख लेना, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है? पासिंग 20 मार्क को है, 50 में से 20। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सिस्टम होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होती है ऑन पर्पज ऑफ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि हम इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है या फिर उसका प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है? अब मुद्दे की बात, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस कम है एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। दोस्तों लिख लो, ये एक मार्क देने वाला क्वेश्चन है आपको, और एक एक मार्क्स बहुत जरूरी है। वेन द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली ह्यूमन बींग्स, वेन द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज कॉल्ड डैश डैश, बन गया क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और अब तक ये क्लियर नहीं बच्चों कि आपको ऑप्शन आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अकाउंट्स इंग्लिश में आए थे ऑप्शन, ओके टी वाई बीकॉम में ऑप्शन आए थे, तो यस प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, बट हमें कंप्लीटली उसके लिए प्रिपेयर रहना कि नहीं आएंगे तो भी लिखते आना चाहिए। यस व्हेन द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली ह्यूमन बींग्स, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम में सिर्फ ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट है तो उसे बोलते हैं मैनुअल कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनुअल कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस यस हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है? इसके अलावा और एक क्वेश्चन है, ये भी आने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड बच्चों ऐसे ही लेक्चर में पहले से लेते आ रहा हूँ यार, यूट्यूब पे सबको दिखते हैं आपकी, आप अगर एक बार देख लो, अगर लेक्चर देख लो तो वहां पे अगर क्लियरिटी का ऑप्शन होगा तो हाई वाला सिलेक्ट कर लो, डेफिनेटली क्लियर आ जाएगा। और फुल स्क्रीन कर लो ना, मोबाइल या लैपटॉप पे अगर देख रहे हो तो दिक्कत ही नहीं, मोबाइल पे भी देख रहे हो तो लैंडस्केप फुल वाला स्क्रीन कर लो, ठीक है? व्हेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली कंप्यूटर रिसोर्स, अगर स्ट्रक्चर में सिर्फ कंप्यूटर रिसोर्स है तो उसे बोला जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन है? व्हेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, व्हेन अकाउंटिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली कंप्यूटर रिसोर्स इट इज कॉल्ड डैश डैश, क्या बोला जाता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके नेक्स्ट देखो, हमने ये देख लिया जिसमें एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, दूसरा एक पार्ट देखा जिसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट था, और देखो लास्ट में क्या दिया है, आपके जूम के चक्कर में बच्चों चीजें कम कवर होगी, ठीक है? इफ इट इज बेस्ड ऑन बोथ, अगर इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट दोनों है, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके अगर अकाउंटिंग सिस्टम में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट प्लस कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट दोनों भी है, ओके तो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है? यस चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस 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 एग्जाम में बनता है ऐसा वाला क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। ओके तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो उसमें स्टेप नंबर 1 है सोर्स डॉक्यूमेंट, दूसरा है इनपुट ऑफ डेटा, थर्ड इज डेटा स्टोरेज, फोर्थ इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, एंड लास्ट है आउटपुट ऑफ डेटा। ओके डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, डेटा बोलो या डाटा बोलो, लिखना तो वही है, लिखते आना चाहिए, ओरल एग्जाम नहीं है, टेंशन नहीं। सो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के 5 स्टेप्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनपुट ऑफ डेटा, डेटा स्टोरेज, मैनिपुलेशन, आउटपुट ऑफ डेटा। और यस इसमें ये भी एक चीज याद रखना, ये साइकिल है, साइकिल साइकिल ये वाली नहीं रहे, इसमें साइकिल में स्टेप्स वैरी, मतलब इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं चलेगा। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, ये उल्टा फुल्टा नहीं चलेगा, जरूरी है ये, हाँ सोर्स डॉक्यूमेंट, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है पहले इनपुट देना जरूरी है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तो ही इनपुट जाएगा, इनपुट देने के बाद ही वो डेटा स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद ही उस पर प्रोसेस हो सकता है, और प्रोसेस के बाद में ही आउटपुट जनरेट होगा। सो इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं चलेगा,
ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है? यस प्रज्वल, आप सेशन के बाद हमें कॉल करके डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वाउचर। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को वाउचर बोलते हैं। सबसे पहले वाउचर बनाया जाता है, ठीक है? जैसे कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसिप्ट है, पेमेंट है। सीधी सी बात है, आप अगर मेरे पास आए, आपने फीस दिया, ऑफलाइन की बात करते हैं, अरे ऑफलाइन क्या ऑनलाइन क्या, अगर आपने जिन्होंने ऑनलाइन भी कोर्स परचेस कर लिया, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रेगुलर कोर्स हो, रामबन बैच हो या संजीवनी बूटी बैच हो, अगर आपने परचेस किया तो ऑनलाइन रिसिप्ट तो मिला होगा। जैसे ही आपने कोर्स परचेस किया तुरंत रिसिप्ट मिल गया होगा केकेसीए से, कंप्यूटराइज, ओके, कि आपने इतने पेमेंट किया है, आपने ये कोर्स परचेस किया हुआ है और आपको ये राइट मिलता है कि आप ये कोर्स देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट, ओके? तो ये बन गया सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है इनपुट ऑफ डेटा। दोस्तों इनपुट ऑफ डेटा, यस, द अकाउंटिंग डेटा कंटेन इन वाउचर इज एंटर्ड हियर। अकाउंटिंग डेटा जो भी है वाउचर में वो यहां पे एंटर किया जाता है, और नॉर्मली इसके लिए प्री डिजाइन डेटा एंट्री फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है? डेटा एंट्री फॉर्म, अगर हम वाउचर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें डेटा का एंट्री करना है कंप्यूटर में, इसलिए एक फॉर्मेट ऐसा बनाया जाता है प्री डिजाइन, वो पहले ही डिजाइन होता है जिससे हम एंट्री इजीली कर पाए, ठीक है? क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ स्टूडेंट्स आपको बता दू, अकाउंट्स का फुल नोट्स, पूरा ये जो नोट्स अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर की नोट्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये फ्रीली अवेलेबल है एप्लीकेशन में, फ्री एट फ्री, ओके? अगर आपको ढूंढना है तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक बार मैसेज भी सेंड करके रखता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का, अगर आप देखो टेलीग्राम में भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है फ्री नोट्स का, ठीक है? सिंपल, आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लो फ्री नोट्स ऑफ FYBCOM, तो जहां पे भी केकेसीए का चैनल का आपको सजेशन मिलेगा उस पर क्लिक कर लो, 2-3 मिनट का वीडियो है, आपको समझ जाएगा कि नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं, ठीक है? यस, नेक्स्ट थर्ड स्टेप डेटा स्टोरेज। दोस्तों डेटा स्टोर किया जाता है ऑफकोर्स कंप्यूटर में, और डेटा स्टोरेज जरूरी है, सुटेबल डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ ब्लैंक डेटा रिकॉर्ड, ओके? दोस्तों अपना जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जितना डेटा देना है वो हिसाब से सुटेबल स्टोरेज अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन में क्या होता है, देखो द स्टोर डेटा, जो डेटा हमने स्टोर किया है, द स्टोर्ड डेटा इज मैनिपुलेटेड फॉर नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन टू जनरेट फाइनल रिपोर्ट। दोस्तों हमने इनपुट तो दे दिया, लेकिन वो इनपुट पे प्रोसेस किया जाएगा सो दैट हम फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके। फाइनल रिपोर्ट में जैसे कि होता है ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये जो फाइनल रिपोर्ट्स होते हैं, ये फाइनल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए वो डेटा पे काम करना पड़ेगा, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। एंड लास्ट स्टेप है आउटपुट ऑफ डेटा, ओके? तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का लास्ट स्टेप आउटपुट ऑफ डेटा। द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जैसे कि जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, दे आर ऑब्टेन इन अ प्री डिजाइन फॉर्मेट। ऑलरेडी फॉर्मेट डिजाइन होता है, और उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल जाएगा जो ऑलरेडी सेट फॉर्मेट है उसमें, ठीक है? दोस्तों अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, हर एक का जो रिक्वायरमेंट है कि नोट्स नहीं मिल रहा, ऐप देख लिया, एक सब्जेक्ट का है, दूसरे का नहीं है, क्वेश्चन बैंक का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैंने बोला आपको सेशन के बाद डायरेक्ट कॉल करो ना यार, आप कॉल करो, आपको ऑन कॉल, कॉल चालू रहते हुए आपको गाइड किया जाएगा कि एप्लीकेशन में कैसे देखना है। और क्या करें भाई, मतलब अभी सिर्फ आगना बाकी, आपका घर पे आके आपको दिखाना बाकी, यार सब कुछ अवेलेबल है, मिलेगा, रुको जरा, सबर करो, मिल जाएगा, ढूंढो थोड़ा सा, उसके लिए वीडियो देखो, लिंक्स भी हमने प्रोवाइड किए। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है और आपको अब तक किसी बैच में ऐड नहीं किया तो भी आप मैसेज कर दीजिए, चैट्स में मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, आपको हमने पूरा डिटेल मैसेज फ्रेम करके दिया हुआ है कि क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगा, इसके साथ साथ नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक के साथ आंसर बैंक कैसे मिलेगा, और आप जड़ी ये जो बैच है संजीवनी बूटी बैच ये कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बनता है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन बन रहा है। इन 1942 द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कैलकुलेटर
वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कैलकुलेटर नेम डैश डैश, क्या था नाम? वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कैलकुलेटर का नाम क्या था? ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। वापस रिवाइज कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कैलकुलेटर था। ठीक है, यस यस दोस्तों, वॉज बिल्ट विथ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। अगर याद रख सके तो ठीक, मगर नॉर्मली इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने वैक्यूम ट्यूब्स थे, कितना वेट था, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। 30 टन्स वेट था और 15,000 स्क्वायर फीट का स्पेस उसको लगा था। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री में स्टेट नंबर टू, पहले तो ये सबसे ओल्ड वाला हो गया, उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों अगेन क्वेश्चन बन रहा है एक मार्क के लिए सर, इसी पे ऐसा लग रहा है सर इसी चैप्टर पे सब क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों इस चैप्टर पे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा थ्योरी भरा हुआ है, तो ऑफकोर्स शॉर्ट नोट्स में भी इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है थ्योरी पार्ट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो एट द सेम टाइम वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये भी आएगा क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश डैश, किसने बनाया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये तो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, IBM कंपनी जिन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे। हाँ देखो बच्चों, आपको मैं थोड़ा जूम जूम करके अच्छे से बता रहा हूं। हाँ, विद द एडवांट ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर ढूंढ निकाले, 1959 की बात है, पहले ट्रांजिस्टर नहीं थे, सो उसके बाद IBM ने 1959 में फर्स्ट फुल्ली ट्रांजिस्टर्ड कंप्यूटर, अगेन क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट फुल्ली ट्रांजिस्टर्ड कंप्यूटर किसने बनाया? अगेन IBM। ठीक है, ऑपरेटेड इन माइक्रोसेकेंड्स, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसके बाद 10 साल के बाद की बात है सेमीकंडक्टर निकल गए, सेमीकंडक्टर उसके बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आ गया, उसके बाद 1980 में चिप्स, पहले चिप्स नहीं थे, CHIPS, चिप्स बोले तो वेपर्स नहीं रे ढोकलो, ये चिप्स मतलब वो मोबाइल में कंप्यूटर में जो चिप होते हैं उसकी बात चल रही है। यस यस, मतलब आप एकदम मस्त चिप्स पॉपकॉर्न खाते हुए लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं, मैं चिप्स की बात कर रहा हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, लेक्चर भाई थेरी है, आज का सेशन तो थोड़ा थेरी रहेगा, बट थेरी है जरूरी ना समझो मजबूरी, करना तो है ही। तो चिप्स ढूंढ निकाले, उसके बाद मतलब और प्रोग्रेस हो गई, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ गए, और अब तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं जो हाईली एडवांस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन वगैरह वो जो नाम मैंने बोले वो याद रख लेना, जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस लेज, हाँ भाई लेज खाओ, बालाजी खाओ, हम ऐड नहीं कर रहे। चलो कंप्यूटर अकाउंटिंग में आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, अगेन पांच मार्क के लायक क्वेश्चन है, पांच मार्क के लायक क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के लिए बन सकता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, सो फीचर्स है जिसमें है स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, वर्सेटिलिटी है, नो IQ। ठीक है, यस यस यस, छह पॉइंट बनते हैं बच्चों कंप्यूटर अकाउंटिंग के फीचर्स। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? यस, व्हाई नॉट, बनता है मेरे साइड से तो बनता है। यस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल ही रहा है ना, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय KKCA इन संजीवनी बूटी बैच, वहां पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमारे लिए, मतलब आपके लिए वही मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि हम जो टेस्ट लेने वाले हैं पूरा 2019 के पैटर्न के हिसाब से ही ले रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे फीचर्स की, सर ये याद कैसे रखे, याद कैसे रखा जाए, इस याद रखने के लिए कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए। यस यस यस, आपके लिए एक जुगाड़ भी लाया है दोस्तों हमने, देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, SASRCVN। यस, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वर्सेटिलिटी और नो IQ। लेकिन सर ये याद कैसे रखे, याद कैसे रखे सर? यस यस यस, इसका एक ट्रिक भी दोस्तों। यस यस, क्या बात है, ऑफलाइन वाले बच्चे हो, याद आ गया? याद आएगा ही, अब क्या एग्जाम में भी याद आएगा। सास और ससुर रगड़ा खाने चौपाटी पे गए, वैनिला आइसक्रीम भी खाकर आए, भाई रगड़ा भी खा लिया, वैनिला आइसक्रीम भी खा लिया, बाद में हो गई पेट में गड़बड़, हो गए बीमार, फिर लेना पड़ा नारियल पानी। ओके, यस यस यस, स्टोरी 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 दोस्तों, स्टोरी मत भूलना, ये स्टोरी आपको पांच मार्क देने वाली है। ओके, यस यस यस,
और ससुर रगड़ा खाने चौपाटी पे गए। ओके, चुपके चुपके गए होंगे शायद, इसलिए पेट दुख रहा होगा। तो रगड़ा खाने चौपाटी पे गए, वहां पे खाया साथ में वैनिला आइसक्रीम, भाई पेट में हो गई गड़बड़, बीमार हो गए, जाना पड़ा डॉक्टर के पास और पीना पड़ा नारियल पानी, एन फॉर नारियल पानी। यस यस यस। तो एस फॉर सास और ससुर, रगड़ा चौपाटी, वी फॉर वैनिला, एन फॉर नारियल। ओके, एक्चुअली हमें याद तो ये रखना था ना, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वर्साटिलिटी, नो आईक्यू, 100% आपको याद आएगा बच्चों। ये स्टोरी अगर भूलना मना है, ये स्टोरी भूलना मना है, 5 मार्क के लिए स्टोरी क्या सर, सास ससुर को नहीं भूलेगी हम। यस, चलो तो बढ़ते हैं पॉइंट की ओर, स्पीड। दोस्तों, चीते की चाल, बाज की नजर और कंप्यूटर की रफ्तार, इस पे कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मार दे सकता है, कंप्यूटर का स्पीड एकदम जोरदार है। दोस्तों, स्पीड मतलब क्या, अमाउंट ऑफ टाइम, स्पीड, यहां पे स्पीड का मतलब क्या है, देखो, अमाउंट ऑफ टाइम अ कंप्यूटर टेक्स इन अकम्प्लिशिंग अ टास्क और कंप्लीटिंग अ ऑपरेशन। अगर 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 कंप्यूटर को कुछ टास्क दिया जाए तो उसको वो टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज स्पीड। ओके, आई एम रिवाइजिंग दिस। यस, सो स्पीड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम कंप्यूटर टेक्स इन अकम्प्लिशिंग अ टास्क और कंप्लीटिंग एन ऑपरेशन। ठीक है, नाउ कंप्यूटर को ऑफकोर्स ह्यूमन से बहुत कम टाइम लगता है, हम तो साला काम करने के लिए सोचने में ही टाइम लगा देते हैं, उतने में तो काम कर भी देता है, कंप्यूटर है वो सोचता नहीं है, डायरेक्ट काम करता है। तो दोस्तों, आज के जो लेटेस्ट कंप्यूटर है, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो है, उनका स्पीड कितना होता है पता है, आप सच में बोलोगे चीते से भी फास्ट है, 100 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। 1 मिलियन मतलब कितना बच्चों, 1 मिलियन मतलब 10 लाख्स। ये क्या बोल रहे हैं, 100 मिलियंस, 10 लाख पे एक जीरो और एक जीरो, 10 करोड़, 10 करोड़ कैलकुलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 करोड़, मतलब 100 मिलियन कैलकुलेशन होता है, इतना फास्ट है स्पीड कंप्यूटर का। ओके, इसलिए एक नया कंसेप्ट आया MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यस यस यस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, यस, क्वेश्चन टू नोट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टू है जरूरी, इसके लिए तो हम देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन टू में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूं ना, शॉर्ट नोट्स में कौन से आ सकते हैं। स्पीड के बाद नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भाई, कंप्यूटर नॉर्मली 100% एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन कंप्यूटर गलती कर बैठा है, अगर हम गलती कर बैठा है बोले तो, अगर हम इनपुट गलत देते हैं तो आउटपुट गलत ही आएगा। सो एट देन डिपेंड है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड है क्वालिटी ऑफ इनपुट पे। ओके, कंप्यूटर को खुद को कुछ दिमाग नहीं होता भाई, वो हम आगे देखने वाले हैं। कंप्यूटर को आप अगर इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा, बट कंप्यूटर तो एक्यूरेट है, कंप्यूटर गलती नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, गलती करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है, कंप्यूटर क्या गलती कर लेगा। नेक्स्ट, स्टोरेज। दोस्तों, कंप्यूटर में बहुत ह्यूज स्टोरेज होते हैं आज के डेट में, कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत बढ़ चुका है, इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। तो कंप्यूटर का स्टोरेज किस पे डिपेंड होता है, हार्ड डिस्क, आप कितने स्टोरेज का हार्ड डिस्क डाल रहे हो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ओके, यस, आज की नजर, के सर का सिखाने का स्टाइल नजरअंदाज नहीं कर सकते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चलो आपने हमें भी कंसिडर कर लिया। यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं आपको यूनिट्स बता देता हूँ स्टोरेज कैपेबिलिटी के यूनिट। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, यस, 1 बिट इक्वल टू, सॉरी, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, दैट इज 1 KB, 1024 KB मतलब 1 MB, दैट इज 1 MB, और 1024 MB मतलब 1 GB, बोले तो 1 GB। ठीक है, नॉर्मली हम ये MB और GB ये वर्ड यूज करते ही है डेली लाइफ में। ओके, MB भाई, अगर कोई फाइल भी डाउनलोड करनी, कितने MB की है स्पीड, मोबाइल अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हो भाई, क्या स्पीड है, कितना स्पीड दे रहा है, KB में, MBPS में आ जाता है। ठीक है, यस, पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन ले रहे हो क्या, यस भाई, पेपर पैटर्न के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पेपर पैटर्न मैंने पहले बताया और वो उसके बाद ये कर रहे हैं। ठीक है, थीके? दोस्तों, आप लेट ज्वाइन हुए तो स्टार्टिंग से देख लेना, बाद में लेक्चर होने के बाद पूरा देखना वापस। ठीक है, रियलाइबिलिटी, दोस्तों रियलाइबिलिटी मतलब क्या,
कंप्यूटर रिमेन्स फंक्शनल टू सर्व द यूजर, कंप्यूटर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, एकदम रिलायबल, एकदम भरोसे वाला आदमी, मतलब आदमी नहीं सॉरी भरोसे वाला आदमी नहीं होता, आदमी निकाल दो, भरोसे वाला होता है कंप्यूटर। ओके सो दोस्तों रिलायबिलिटी इस पे हो सकते हैं, ऑफकोर्स हम रिलायबल हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये वेल अडेप्टेड टू परफॉर्मिंग रिपीटेटिव ऑपरेशन। और एक एक काम अगर हम किसी एक पर्सन को चार बार बोल दे तो फोर्थ टाइम बोलता है क्या चल रहा है, वही वही बोल रहे हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बोलता। रिपीटेटिव टास्क, आप वही टास्क कितनी भी बार रिपीट करने को बोलो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, इट इज एज रिलायबल। ओके नेक्स्ट, देयर आर इम्यून टू टायर्डनेस। अरे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये कंप्यूटर का, ये कभी थकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, इसको बोर नहीं होता, टायर्डनेस नहीं है, बोर्डम नहीं है, फटिग नहीं है, ये तो हम ह्यूमंस को है, कंप्यूटर को नहीं है। ठीक है, येट देयर कैन बी फेल्यूर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन। लेकिन हाँ, इंटरनल या एक्सटर्नल रीजन की वजह से कंप्यूटर फेल हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर फेल ही नहीं होता, भाई कंप्यूटर बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, हमारा भी लेक्चर कभी कभी अटक जाता है, तो भाई अटक गया है, ऐसा हो जाता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम जवाब दे दे, हार्डवेयर का कुछ इशू आ जाए, तो ये सब चीजें हो जाती है। यस, एनी फेलियर ऑफ द कंप्यूटर इज हाईली ऑटोमेटेड, इन हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री इज अनएक्सेप्टेबल। अगर पूरा ऑटोमेशन हुआ है, पूरा ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भाई काम ही अटक जाएगा। अरे अपनी ही बात ले लो ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी एमएससी भी जवाब दे दे या फिर इंटरनेट का कुछ इशू आ जाए, अपना लेक्चर बंद हो जाता है। यस, तो ये सब चीजें फेस होती है, ये सब प्रॉब्लम होता है किसी भी हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री में। देयरफॉर कंपनीज नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनीज इन सच सिचुएशन प्रोवाइड्स बैकअप फैसिलिटी। ओके, इसलिए बैकअप फैसिलिटी होती है नॉर्मली कंपनीज में, अगर कुछ डेटा भी करप्ट हो जाए वगैरह तो डेटा रिकवर करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कंप्यूटर गिव्स द सेम रिजल्ट विदाउट एनी वेरिएशन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। एक काम आप कितनी भी बार कर लो कंप्यूटर पे, सेम आउटपुट आपको मिलेगा, दैट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, आपको पॉइंट तो याद रह जाते लेकिन अंदर लिखना क्या है सर, आंसर की साइज बढ़ानी है लेकिन लिखना क्या है उसमें, इसलिए मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ द रिपीटिंग द सेम रिजल्ट विदाउट वेरिएशन, ये जो प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की, ये जो स्किल है, कितनी भी बार तुम इनपुट दे दो आउटपुट सेम आएगा विदाउट एनी वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, वी फॉर वेनिला। अरे वेनिला नहीं, वी फॉर वर्सेटिलिटी, अपने याद रखने के लिए वेनिला है, यहाँ पे वर्सेटिलिटी है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों मैंने फॉन्ट साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा दिया है, आई होप अब तो सबको दिखना ही चाहिए। ठीक है, यस, वर्सेटिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। दोस्तों एक ही कंप्यूटर पे आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो एट ए टाइम, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो एट ए टाइम कर सकते हो, ये जो स्किल है इसको बोला जाता है वर्सेटिलिटी। ओके, तो कंप्यूटर नॉर्मली वर्साटाइल होते हैं, ऑफकोर्स हर कंप्यूटर में बहुत सारे काम एट ए टाइम कर सकते हो आप, अभी आप लेक्चर देखते देखते भी कुछ करते रहते हो ना, कॉलेज के लेक्चर चलते थे, लेक्चर भी चलता था, साथ में चैटिंग भी चलती थी, साथ में गेम भी चल रहा है, ये सब कुछ चीज़ एट ए टाइम हैंडल होती थी, तो ये कंप्यूटर मतलब मोबाइल की बात हो गई, लैपटॉप की बात हो गई, वैसे कंप्यूटर सिस्टम भी वर्साटाइल है। जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होता है वो नॉर्मली बहुत सारे काम कर सकता है, मतलब बिजनेस का हो, इंडस्ट्री का हो, साइंटिफिक हो, स्टैटिस्टिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एजुकेशनल हो, ये सब काम पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, यस, लास्ट पॉइंट, नो आईक्यू। दोस्तों कंप्यूटर कितना भी तेज क्यों ना हो, चाचा चौधरी बोले तो ह्यूमन के दिमाग से तेज नहीं हो सकता। कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, कंप्यूटर को खुद का माइंड है ही नहीं, वो डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, फॉर दिस द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हैव टू बी प्रिसाइज, इसलिए कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो एकदम प्रिसाइज होने चाहिए। ये चिट्टी चिट्टी रोबो देखा होगा ना, रोबोट जैसे गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा तबाह कर दिया उसने, एकदम आतंक मचा दिया। क्यों? इंस्ट्रक्शन गलत दिया, उसको खुद का माइंड नहीं है, वो रोबोट को ये नहीं समझ रहा कि ही इज डूइंग गुड और बैड, उसको सिर्फ ये समझ रहा है कि उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया वो सबसे वर्क हो रहा है। ओके, सो देयर इज नो आईक्यू। तो अगेन रिपीटिंग, सास और ससुर रगड़ा खाने चौपाटी पे गए, वहां पे वेनिला आइसक्रीम भी खाया, पेट में गड़बड़ होने के बाद, बीमार होने के बाद सिर्फ नारियल पानी काम में आया, एंड।
ओके तो ये सब पॉइंट याद रखना, डेफिनेटली आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई कोई डाउट नहीं बच्चों, 5 में से 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वर्सेटिलिटी एंड नो आईक्यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है सिग्निफिकेंस, देखो फर्स्ट पॉइंट, नो एनुअल रिचुअल्स ऑफ बुक क्लोजर। दोस्तों आपने आपके घर पे या फिर किसी, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस में देखा होगा, ऐसा पिक्चर देखा होगा। दोस्तों फटाफट से बताओ कब देखा है आपने, कौन से सीजन में देखा है, कौन से फेस्टिवल में देखा है ऐसा? दिवाली। यस यस, ऑफलाइन वाले तो फटाफट आंसर दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले फटाफट भेजो कब देखा है ऐसा। यस 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 यस, प्रसाद भाई ने बोल दिया दिवाली। यस yes, दोस्तों दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन, ओके दशहरे के दिन, नॉर्मली तो लक्ष्मी पूजन के दिन ये होता है कि बुक्स क्लोज किए जाते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, जो पुराने बुक्स है वो, तो मतलब जो अब तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो वो सबसे नए बुक्स लाते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं। वो चीज अलग है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस होता है बच्चों, जो पुराने बुक्स है, जो ओल्ड बुक्स है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी 2021-22 कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2021 को, वो बुक्स कर दो क्लोज और 1 अप्रैल से नए बुक स्टार्ट करो। अरे उसमें कितना लोचा होता है दोस्तों, मतलब हर एक का अकाउंट क्लोज करो, हर एक पेज पे टोटल लो, टोटल लेने के बाद हर एक पर्सन का बैलेंस निकालो, वो बैलेंस नए बुक्स में कॉपी करो। अरे ये जो एनुअल रिचुअल्स है ना, ये एनुअल रिचुअल खत्म हो गए, किसकी वजह से, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से। अरे कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है मेरे भाई, सब कुछ रेडीमेड है, नो एनुअल रिचुअल्स। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, सेकंड पॉइंट, हाई एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हाईली एफिशिएंट है। यस, वंस द वाउचर इज एंटर्ड, एक बार अगर आपने वाउचर में एंट्री कर दी, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के नहीं रहे, कंप्यूटर सिस्टम के हवाले, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी करेक्शन ऑफ एरर्स। हाँ दृष्टि जी, क्या बोलना है एग्जैक्टली, अकाउंट्स में स्कोरिंग क्या है, मतलब क्या, स्कोरिंग कैसे करोगे, वो स्कोर कैसे बढ़ाओगे, ये पूछना चाहते हो क्या? थैंक यू ऐश्वर्या जी, काय तो आप बेस काय के सर एकदम ओके मध्ये आहे, धन्यवाद धन्यवाद, नक्कीच ओके मध्ये, पेपर पर ओके मध्येच राहणार, ठीक है। दृष्टि जी स्कोरिंग क्या है अगर आप पूछना चाहते हो, तो पेपर पैटर्न की सीधी सी बात है, रॉयल्टी 15 मार्क के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट 15 मार्क के लिए, गुडविल 15 मार्क के लिए, तो आपके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या सुटेबल जाता है, आपको जो इजी लग रहा है वो कर सकते हो। 15 15 मार्क के 3 टॉपिक मैंने बता दिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही मैंने आपको बताया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, टेस्ट, आपका टेस्ट भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, ये सब कुछ होगा इवनिंग 6 PM को संजीवनी बूटी बैच में, ठीक है। जो संजीवनी बूटी 99 रुपीज की बैच है वो परचेस कर लो, उसमें सब कुछ चीजें कवर हो जाएगी। नाउ इजी करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर इन वाउचर एंट्री लेजर क्लासिफिकेशन कैन बी इजीली करेक्टेड। दोस्तों अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एरर हो जाए ना, तो वो बहुत इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है, मतलब एक जगह पे एंट्री एरर रेक्टिफाई कर दो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके पहले हमने 11th में टॉपिक पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की अलग से एंट्री वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ आज एक पूर्ण धड़ा धड़ा ना का मनो रे पुराना चैप्टर तरी मना कभी कभी, यस यस पूरा चैप्टर हो जाएगा आज। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम येणार आहे, यस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाले है, जो हम अगले लेक्चर्स में लेंगे। यस 15 मार्क्स में कौन सा टॉपिक है दोस्तों, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप एक बार पेपर पैटर्न देख लेना। ओके नेक्स्ट,
नो डिले इन जनरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। दोस्तों अकाउंट्स के जो रिपोर्ट है, इनकम स्टेटमेंट जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जो भी रिपोर्ट चाहिए वो प्रिपेरेशन में कोई डिले नहीं होगा, फटाफट से रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके तो बहुत सिग्निफिकेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सिग्निफिकेंस ऐसे है कि आप लॉजिकली भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखना बहुत इजी है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखो बच्चों क्या दिया है सिग्निफिकेंस, और क्विक जनरेशन ऑफ कस्टमाइज रिपोर्ट्स। यस यस, जूम करके बता रहा हूं, जूम करके बता रहा हूं, रुको जरा सबर करो। यस देखो, क्विक जनरेशन ऑफ कस्टमाइज रिपोर्ट्स, अगर आप कोई कस्टमाइज रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी क्विकली जनरेट हो सकता है विद द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, फैसिलिटी टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। दोस्तों अगर हमारे बिजनेस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है और डिपार्टमेंट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी हम देख सकते हैं ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज से, ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज क्वेरिंग फैसिलिटी फॉर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। दोस्तों क्वेरी मतलब अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी, फाइंड करना है तो आप इमीडिएटली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि सिंपल आपको फंडा बताता हूं, अगर हम वर्ड फाइल वगैरह कुछ फाइंड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो कंट्रोल एफ करते हैं फाइंड के लिए, ठीक है, तो ये वर्ड एक्सेल वगैरह की बात हो गई। वैसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे कि टैली वगैरह है तो उसमें Alt F12 वगैरह ऐसी कुछ कीज होती है जिसकी वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना फटाफट से ढूंढ सकते हैं। क्वेरी फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये कंपनी वाइड मतलब कंपनी में मल्टीपल डिवीजन हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं, तो एक कंपनी वाइड ओवरऑल कंपनी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलता रहेगा क्योंकि ये सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज होता है, सबको कनेक्टेड होता है, तो हर जगह पे ये इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, दोस्तों सिग्निफिकेंस के जितने पॉइंट दिए 10 पॉइंट हम सबके सब कवर कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी इंश्योर्ड। यस दोस्तों, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा। देखो पार्शियलिटी करने का काम ह्यूमन कर सकता है, सिस्टम नहीं। सिस्टम में अगर आप एक बार अकाउंटिंग पॉलिसीज दे दो, इनपुट दे दिया अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो दिए गए हैं वो कंटिन्यूअसली फॉलो होते रहेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं होने वाला, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वही सबसे कंटिन्यूअसली काम होगा, इसलिए बोला हुआ यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर सिक्योरिटी ऑफ डेटा, और डेटा तो सिक्योर है ही। दोस्तों अगर मैंने रजिस्टर मेंटेन किया है ऑफलाइन मैनुअल वाला, रजिस्टर अगर चोरी हो जाए तो सब अपना पोल खोल हो जाएगा, अपना जो भी हिसाब है सब कुछ पता चल जाएगा या लीक हो जाएगा, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं कि भाई किससे पैसा लेना था, किसको देना था, हिसाब भी नहीं रहा, तो ये सब चीजें हो सकती है। या फिर सिर्फ स्टोलन मतलब चोरी की बात नहीं बच्चों, लॉस भी हो सकता है। सपोज जैसे कि आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, बिजनेस में आग लग गई, सब बुक्स ऑफ अकाउंट जल गए, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के केस में दोस्तों आपका डेटा बहुत सिक्योर होता है, जिसको हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पासवर्ड भी रख सकते हैं, डेटा को पासवर्ड रख सकते हैं जो सिक्योर रहेगा। इवन दो किसी के हाथ में कंप्यूटर भी चला गया, जिसने कंप्यूटर ओपन भी कर लिया तो भी वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर हमने उसको पासवर्ड रखा हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एक्सेस राइट दिए हुए, थंब वगैरह, आई रेटिना स्कैन ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो डेटा की सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। ओके, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिंगर, हाँ लैपटॉप को अभी वो फिंगर का भी ऑप्शन आता है, यस, तो वो हिसाब से फिंगर के हिसाब से ही खुलेगा। ओके यस, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लू क्या बोल रहे बच्चे। फर्स्ट लेसन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पेपर में आ सकता है क्या? फर्स्ट लेसन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई, ओनली थ्योरी क्वेश्चन, ओके ओनली थ्योरी क्वेश्चन। ऐसा मतलब पुणे यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको लैपटॉप लेकर बैठाएंगे और बोलेंगे चलो टैली में एंट्री करो, इतना कुछ नहीं हो सकता। ओके तो आपको डेफिनेटली थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है इसमें। दोस्तों आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट पार्ट? बाकी बड़े आगे दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहा ना, जाग रहे हो ना सब लोग? फटाफट से यस 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 बताओ, मजा आ रहा है क्या? नहीं जनता जनार्दन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें मार फेरी नर क्या क्या भाई, इंग्लिश या हिंदी कुछ तो भी एक टाइप करो यार, ये अलग ही लैंग्वेज है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। प्रैक्टिकल टॉपिक जो है चैप्टर 2, 3, 4 उसमें भी देरी क्वेश्चन आ सकता है, यस आ सकता है, ठीक है।
कितने बजे तक होगा सेशन संजीवनी बैच में? अरे हो, छह से मतलब आपके वहां पे संजीवनी बूटी बैच का जो सेशन है ना बच्चों, वो एकदम इंटरेक्टिव सेशन है। गूगल गूगल मीट पे रहेगा, वो पूरा इंटरेक्टिव है। बच्चों के जो डाउट्स रहेंगे, डाउट्स जैसे डिस्कशन चलता जाएगा वैसे टाइम रहेगा उसका, फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 फॉर टुडे, तो जब तक डाउट चलेगा तब तक हमारा लेक्चर चलेगा। ठीक है, डन डन डन। 6 बजे, कितने बजे तक? हाँ ठीक है, हो गया। वो लेसन 4 लेने वाले हो? सब लेसन लेने वाले यार। 2, 3, 4। दृष्टि जी, मैंने आपको पहले भी बोला बच्चों, आपको सबको बोला, जो टॉपिक चल रहा है पहले इस पे फोकस करो। 4 दिन में 4 टॉपिक होने वाले, मैंने नहीं कहा पे बोला होगा ना, स्टेप बाय स्टेप। यस, नॉर्मली बच्चों यही हो रहा है। जब इंग्लिश का लेक्चर चलता है तो आप अकाउंट की बात करते हो, अकाउंट का लेक्चर चलता है तो कोई इसमें मैथ्स का पूछ लेगा, कोई इकोनॉमिक्स का पूछ लेगा। चैप्टर 1 चल रहा है तो 2, 3, 4 की बात कर रहे हो, तो जिस टॉपिक में हो उस पे रहो, होने वाला है सब कुछ। देखो सर, 99 पर डे क्या? 99 पर डे नहीं, 99 टोटल कोर्स की प्राइस है। ठीक है, 99 जिसमें सब डाउट्स हो गए, टेस्ट सीरीज होगा, सब कुछ कोर्स की प्राइस है पूरा। यस, इनकम एक्सपेंडिचर आउट ऑफ सिलेबस में इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो ही आपको सोल्यूशन दूंगा अभी। हाँ, 20 की पासिंग है, कंबाइंड पासिंग। कंबाइंड पासिंग जान के क्या कर लोगे फिलहाल? जस्ट जो अभी अकाउंट्स का पेपर है 50 में से 20 को पासिंग है, उस पर फोकस करो। प्रॉब्लम सॉल्व करो, आज चैप्टर 1 है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, नेक्स्ट एपिसोड्स में आएगा। यस यस, रोज का 11 बजे का टाइम रहेगा, रोज 11 बजे लाइव रहेगा। प्रैक्टिकल नहीं दिया? नहीं दोस्तों, आपके जो 3 पैटर्न होते हैं ना, देखो 100 मार्क्स का डिवीजन बताता हूँ मैं अकाउंट्स का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम और 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम। हर कैटेगरी में आपको 40-40% पासिंग है, और हर कैटेगरी में पासिंग होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 100 में से 40 कैसे भी लाओ, नहीं, 50 में से भी 20 चाहिए, 30 मार्क्स का जो पेपर है उसमें भी 12 चाहिए, 20 मार्क्स का है तो उसमें भी 8 चाहिए। हर कैटेगरी में पासिंग जरूरी है। यस, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, यस यस, डन। चलो ये हो गया कुछ डाउट्स का डिस्कशन। यस, और कुछ डाउट है क्या? कुछ कमेंट्स आया है क्या जोरदार? अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया और एग्जाम में 40 मिल रहे तो पास होगा क्या? नहीं बोला ना, नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल में भी पास चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। हर 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 कैटेगरी में पास जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल है जो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग के लिए बहुत यूजफुल है। अब डायरेक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पैकेज जो है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप्स, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखो बच्चों। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप्स में फर्स्ट है स्प्रेडशीट, सेकंड इज कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, थर्ड इज ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ है कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यस, मुख्तार भाई थैंक यू फॉर योर सजेशन विच इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अभी जो चल रहा है यही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाना, ठीक है, कल आपको मिल जाएगा। यस, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द ऐप। क्या बात है, 12 बजे का टाइम रखो, मिसल पाव का टाइम चुकून ना तो। अरे अरे अरे, मिसल पाव पूरा नो, एग्जाम पर्यंत होल्ड करा, एग्जाम के बाद साथ में जाएंगे यार खाने, फिलहाल मिसल पाव को होल्ड पे रखो। ठीक है, चलो, मतलब नासिक कर बोले तो मिसल पाव, दैट्स इट। चलो स्प्रेडशीट में फर्स्ट, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं बच्चों, जिसके ट्रांजेक्शन स्लो होते हैं, उनको ज्यादा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर परचेस करना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बना हुआ है स्प्रेडशीट। ओके, तो स्प्रेडशीट सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए जो इनएक्सपेंसिव है। अगर स्प्रेडशीट के बारे में आपको कुछ लिखना है तो 2-3 वर्ड आना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है स्मॉल बिजनेस, दूसरा वर्ड आना चाहिए इनएक्सपेंसिव, थर्ड ये वर्ड आना चाहिए कि लो, वेरी लो ट्रांजेक्शन, जिसके ट्रांजेक्शन स्लो है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल के शीट्स।
इस पे भी अकाउंटिंग, मतलब जो छोटे बिजनेसमैन है उसमें भी हिसाब वगैरह मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। यस, स्प्रेडशीट के बाद सेकंड पॉइंट जो है कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, इसको COTS भी बोला जाता है बच्चों। COTS मतलब कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ओके, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। यस 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 यस, हाँ किया है भाई जूम, आई होप अभी सबको विजिबल है। यस, तो COTS कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर किस लिए है, मतलब नाम से समझ रहे हैं कमर्शियल, मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑफ द शेल्फ इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं इवन विदाउट इंटरनेट। ये नॉर्मली ऐसा सॉफ्टवेयर होता है बच्चों जिसमें हम एरर वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं। ये जो स्प्रेडशीट था इसके पहले हमने देखा ना, स्प्रेडशीट फ्री वाला सॉफ्टवेयर होता है, नॉर्मली एक्सेल है या फिर गूगल शीट से फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, तो इससे बेटर होता है, इसमें एरर वगैरह प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। यस, ये क्वेश्चन, हाँ इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सही बात है भाई। हाँ ईआरपी को फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी ये सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये पॉइंट ईआरपी में आना ही चाहिए। ईआरपी के बारे में अगर आप लिख रहे हो, यस, बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर रहे बच्चों, बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं, ओके, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हो चुका है, म्यूट हो चुका है, ध्यान दो। तो ईआरपी की अगर हम बात करें तो ईआरपी में आना ही चाहिए पॉइंट दैट इट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो कि जैसे बिजनेस में मल्टीपल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिवीजन है, परचेस डिवीजन है, मार्केटिंग का डिवीजन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो ये जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल डिवीजन है सबका डेटा इंटीग्रेट किया जाता है ईआरपी में, ठीक है। तो ईआरपी का सबसे बड़ा फीचर यही है कि इट इंटीग्रेट ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस इनटू अ सिंगल डेटाबेस, सिंगल डेटाबेस में सब इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ईआरपी एक ये ज्यादा एक्सपेंसिव, ईआरपी सॉफ्टवेयर इज मोर एक्सपेंसिव एंड मे रिक्वायर मोर देन अ ईयर टू इंस्टॉल। ईआरपी सॉफ्टवेयर नॉर्मली ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू अर्लियर सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, वैसे थोड़ा नाम से भी समझ रहा होगा बच्चों। कस्टम अकाउंटिंग मतलब जो हमारे हिसाब से हम बनवा के लेते हैं ना, दैट इज कस्टम। कस्टमाइज नाम तो सुना होगा, कस्टमाइज की एग्जाम्पल अगर हम दे, इसके पहले हमने जो देखा कौन सा था, वो COTS और उसके बाद ईआरपी, ठीक है। तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन ये बनवा के लिया जाता है अपने हिसाब से। दिस सॉफ्टवेयर इज यूजुअली नीडेड व्हेन एंटिटीज रिक्वायरमेंट आर सो स्पेसिफिक दैट दे कैन नॉट बी मेड बाय COTS और ईआरपी पैकेजेस। मतलब हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट इतने स्पेसिफिक है कि कमर्शियली ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर COTS अगर लिया तो भी हमारा काम नहीं होने वाला, अगर हमने ईआरपी का पैकेज ले लिया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो भी हमारा काम उसमें फुलफिल नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनवा के लेंगे सॉफ्टवेयर, दैट इज कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सीधी सी बात है, इसके पहले हमने जो देखा, ओके, इसके पहले हमने जो देखा वो रेडीमेड ड्रेस था, और ये जो है ये ड्रेस स्टिच करके लेना है, टेलर के पास जाना है, अपने साइज देना है, स्टिच करके लेना है, दैट इज कस्टमाइज। तो यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होगा, हम जो कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी, उनके पास क्लियरली रिक्वायरमेंट देंगे, हमारा जो बिजनेस है उनको क्लियरली बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, वो हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनवा के देंगे। ये होता है कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और बच्चों इसमें ये भी चीज याद रखना, नॉर्मली जो कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशल है ना। रेडीमेड ड्रेस सस्ता है और स्टिच करके लो तो महंगा है, सीधी सी बात है। दिस सॉफ्टवेयर इज कस्टम डेवलप फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर दिस सॉफ्टवेयर इज रेयरली टेकन, बहुत रेयरली लिया जाता है। मतलब ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए पॉसिबल है क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है तो उसमें ये चीजें हो सकती है, जहां पे
कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवा के लिया जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा एयरलाइंस, जो एयरलाइंस के लिए उनको अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए जो ईआरपी में सीओटीएस में नहीं होगा, तो उन्होंने सेपरेट सॉफ्टवेयर बना के लिया, ये हो गया कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अभी हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देख लिया है, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जो पैकेज होते हैं बच्चों, इसमें इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पैकेज दोस्तों, सॉफ्टवेयर, यस हाँ, सॉफ्टवेयर क्या हुआ, पुणे जोगेश्वरी मिसळ, ओके भाऊ जोगेश्वरी मिसळ आणि शिवनेरी मिसळ, म्हणजे दोन दिवस यावं लागेल पुण्यात, आएंगे आएंगे भाई, पुणे में आएंगे भी और मिलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, बस आएगा आएगा वो टाइम आएगा, फिलहाल ऑनलाइन पढ़ने का टाइम है। सॉफ्टवेयर इज द जनरल नेम गिवन टू ऑल प्रोग्राम्स एंड रूटीन्स एसोसिएटेड विद द इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज, ओके। नॉर्मली बच्चों सॉफ्टवेयर हर किसी को नाम दिया जाता है जो जनरल प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और काम होता है उसको सॉफ्टवेयर बोल दिया जाता है, पर नॉर्मली कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल भी दिए, विंडोज, एमएस डॉस, यूनिक्स वगैरह। तो अब अकाउंटिंग पैकेज के दो टाइप है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, या फिर अकाउंटिंग पैकेज के दो टाइप, एक है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सॉरी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और दूसरा है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है, नाम से समझ रहा है, जनरल पर्पज यार कोई भी यूज कर सकता है, इट कैन बी यूज बाय वेरियस कस्टमर्स बाय एडजस्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। तो आपका अगर बिजनेस है, जनरल बिजनेस है, मतलब एकदम लार्ज स्केल पे नहीं है, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बेटर रहेगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो जिसमें नॉर्मली सब बिजनेस की रिक्वायरमेंट कंसिडर करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट जो है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, इज डेवलप अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया रेडीमेड ड्रेस और स्टिच वाला ड्रेस, ये सेम एग्जांपल है यहाँ पे, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो हर कोई बिजनेस यूज कर सकता है, और टेलर मेड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोग्राम पैकेज प्रोग्राम, ओके, इसमें डायरेक्टली हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, तो वो भी क्लियर कर दो, किसी को लग रहा है कि सर प्रैक्टिकल लो आप थ्योरी ले रहे हो, ठीक है। बट जैसे जैसे दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों से डील किया है, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट से मुझे रिव्यू आया है कि चैप्टर नंबर वन क्योंकि पूरा थ्योरी है तो वो नॉर्मली बच्चों पे छोड़ दिया जाता है, मतलब आप पढ़ लो आपके हिसाब से स्टडी कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल पे किसी भी कोचिंग क्लास में कहीं पे भी प्रैक्टिकल पे तो फोकस किया जाता है, इवन कॉलेज में भी हम वही सॉल्व करते हैं, लेकिन थ्योरी को अवॉइड कर देते हैं। हमें सिर्फ पास नहीं होना है, पूरे मार्क्स चाहिए, इसलिए मैं थ्योरी भी कवर कर रहा हूं, ठीक है, थ्योरी का भी पार्ट कवर कर रहा हूं। नाउ अकाउंटिंग पैकेज जो है, अकाउंटिंग पैकेज के फीचर्स हम देखते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ है कि हर चीज हम पॉइंट टू पॉइंट कवर नहीं करने वाले, ठीक है, जो चीजें जरूरी है एग्जाम के लिए वो हम चीजें कवर करेंगे। तो अकाउंटिंग पैकेज जो है उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, जिसमें ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दोस्तों ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए बनता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, ओके, ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज के फीचर्स बताओ, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ रहा है। यस दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक लिख लो, लिख लो, पेपर पेन लेकर बैठे हो गए आप, फटाफट से हेडिंग दे दो, फीचर्स ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, फर्स्ट ओके। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन है आईफोन, अगर आप आईफोन यूजर हो, सिंपल सी बात है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके लिए फर्स्ट लिंक है जिसपे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और सेकेंड अगर आप आईफोन यूजर हो तो उसके लिए सेकेंड लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिसमें ORG कोड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा, आपको जस्ट डालना है वहां पे KKCA, ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ ऑफ द शेल्फ पैकेज आर लेस एक्सपेंसिव देन कस्टम बिल्ड पैकेज, दोस्तों
फर्स्ट फीचर ये है, अगर आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर खरीदते हो, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड है, रेडीमेड तो रेडीमेड वाला लेस एक्सपेंसिव है देन कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। अरे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जिसको ज्यादा टाइम भी लगता है, ज्यादा पैसे भी लगते हैं। तो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का फर्स्ट फीचर है इट इज लेस एक्सपेंसिव। सेकंड फीचर, इट टेक्स लेस टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑफ द शेल्फ COTS कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मतलब ऐसा है जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यूज में है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन को बहुत कम टाइम लगता है। फटाफट से वो सॉफ्टवेयर में आपको इंस्टॉल करवा दिया जाएगा और उसका आप यूज स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको टाइम बहुत कम लगता है। सो इट टेक्स लेस टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये था सेकंड फीचर। थर्ड फीचर, डिटेल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल विद द पैकेज मेक्स इट यूजर फ्रेंडली। तो फीचर क्या है थर्ड वाला, यूजर फ्रेंडली। दोस्तों जैसे हम अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो साथ में मैनुअल आता है। एक टाइम पे देखो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज परचेस करते थे तो सामने मैनुअल आता था साथ में, ठीक है, वो फैन हो एसी हो तो साथ में मैनुअल। हाँ इवन फोन मोबाइल वगैरह परचेस करते हो साथ में मैनुअल, अभी वो मैनुअल नहीं आते ना फोन में वगैरह, एकदम छोटा सा आता है अभी, पहले बहुत डिटेल में बुकलेट होता था, डायरेक्ट बुकलेट ऐसा 50-100 पेज का, उसमें चाइनीज लैंग्वेज में भी मिलेगा इंग्लिश में भी मिलेगा, तो वो डिटेल सॉफ्टवेयर डिटेल सिस्टम होता था। वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज अगर आप लेते हो तो साथ में मैनुअल वगैरह आता है, उसमें गाइड किया जाता है और वो गाइड मतलब अगर आप रीड करो तो आपको वो सॉफ्टवेयर हैंडल करना बहुत इजी बन जाता है। ओके, सो इट बिकम्स यूजर फ्रेंडली फॉर यू। नेक्स्ट, इफ द पैकेज हैव बीन इन यूज फॉर सम टाइम यूजर फीडबैक विल बी अवेलेबल। दोस्तों अगर आज के डेट में अगर हम कुछ चीज ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं परचेस करने के पहले, रिव्यू। रिव्यू से याद आया दोस्तों, इतना इतने टाइम से आप हमारे साथ में जुड़े हो, इतना क्वालिटी कंटेंट सब चीजें मिल रही है, तो रिव्यू देने में क्या प्रॉब्लम है? आपका 5 स्टार और साथ में 50 वर्ड बनते हैं बॉस। आज का होमवर्क, आज का होमवर्क अगर लिंक शेयर कर सको, जस्ट मिनट में लिंक शेयर करता हूं आपके साथ, लिंक में आपको लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा बच्चों, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, आपको जो कुछ मिल रहा है इसके बदले में एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, आपको बस गूगल पे जाके हमारे लिए अच्छा सा 5 स्टार वाला रिव्यू, मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो तो, ओके 5 स्टार वाले रिव्यू के साथ कुछ तो बताओ यार हमारे बारे में, 2-4 लाइन तो लिख ही सकते हो आप, ठीक है, ये देना है। क्योंकि क्योंकि आपके रिव्यू से जनता को बाकी बच्चों को पता चलेगा KKCA के बारे में। तो ये जो रिव्यू है हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, इसमें भी फीडबैक हमें मिल जाता है। अगर हम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो हम रिव्यू देखेंगे, रिव्यू में सब कुछ मिल जाएगा कि यूजर फ्रेंडली है, कैसा है, अच्छे से चलता है या नहीं, ऑपरेट होता है नहीं, तो हमें फीडबैक अवेलेबल हो जाता है इजीली। कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीडबैक नहीं मिलता ना, कस्टम तो हम बनवा के ले रहे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर अब तक था ही नहीं, अभी फर्स्ट टाइम हम बनवा रहे हैं। यस, फर्स्ट टाइम अगर हम बनवा रहे हैं तो उसका फीडबैक कैसे मिलेगा, उसका कुछ चीज अवेलेबल ही नहीं, बेस ही नहीं उसका कुछ, ओके लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसका फीडबैक हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ये ज्यादा इफिशियंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड इवन मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एकदम इफिशियंट होते हैं, उनका स्पीड बहुत फास्ट होता है, काम का जो स्पीड है बहुत फास्टली वर्क होता है, एक्यूरेसी तो होती है और मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज स्टोरेज रिक्वायरमेंट वगैरह इसमें नॉर्मली फुलफिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, यस आपका प्यार बनाए रखो। डिसएडवांटेजेस, दोस्तों हम आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं, आज के सेशन के आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अभी भी सोच रहे हो सर इतना पढ़ना पड़ेगा तो कैसे चलेगा, साल भर मजे की, अब तो पढ़ने का टाइम आ गया ना, अब नहीं तो कब पढ़ोगे। तो दोस्तों इसलिए लॉन्ग लेक्चर्स आपके लिए, मैं फर्स्ट टाइम नॉर्मली हम थ्योरी का लेक्चर 45 मिनट्स का रखते हैं। अगर आप हमारा कोर्स देख लो, KKCA एप्लीकेशन में जाओ, स्टोर सेक्शन में जाओ, आपको 3 कोर्स मिलेंगे, एक फुल कोर्स है, एक रामबाण बैच है और एक संजीवनी बूटी बैच है, ठीक है। संजीवनी बूटी बैच तो रेगुलर उसमें लाइव कोर्स होगा, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बाकी दोनों कोर्सेज में आप अगर देख लो तो नॉर्मली हम थ्योरी का जो टॉपिक होता है 45 मिनट्स तक लिमिटेड रखते हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए लिमिटेड टाइम में सब कुछ कवरेज करने के हिसाब से लॉन्ग लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि चलो 45 मिनट हो गए छुट्टी करनी तो छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरे मार्क्स चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के हमने प्लस पॉइंट तो देख लिए, लेकिन माइनस पॉइंट क्या है देखो, यस यस जूम कर रहा हूं। फर्स्ट, लिमिटेड कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल। दोस्तों अगर आप रेडीमेड ड्रेस खरीद के लाओ
और अचानक से होता है ना ऐसा, कभी बढ़ जाती है भाई बाहर का खाना वगैरह, जंक फूड अभी जोरदार खाना होता है तो बढ़ गई अपनी तबीयत, बढ़ गई। अब क्या करे, जाना पड़ेगा अल्टर करने को। अल्ट्रेशन का लिमिट होता है ना भाई, अल्टर होता है, अल्ट्रेशन का लिमिट होता है एक लिमिट तक। मतलब अगर आप डायरेक्ट एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल हो गए तो कोई भी शर्ट कोई भी ड्रेस कस्टमाइज नहीं हो सकता। ओ बाप रे, फोर टाइम एक्सेल क्या बोलते हो, एक्सेल फोर टाइम एक्सेल, वो बहुत ज्यादा बड़ी साइज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो कस्टमाइज नहीं है ना, तो उसमें अल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अल्ट्रेशन एक लिमिट तक ही हो सकता है। तो वैसे ही जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये जो है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ये कस्टमाइज होता है लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक, इसमें ज्यादा कस्टमाइज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द शेल्फ। अरे भाई, डॉक्टर हाथी की याद आ गई, क्या बात है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसी तारक मेहता का, भाई खुद तारक, तारक का ड्रेस डायरेक्ट डॉक्टर हाथी को, अरे बाप रे, डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, यस, तारक मेहता से अपन डायरेक्ट अगेन केकेसीए पे आते हैं। नाउ, कॉस्ट जो होता है ऑफ द शेल्फ पैकेज का नॉर्मली कम होता है, लेकिन दोस्तों इसमें पैकेज के जो कॉस्ट है वो मॉडरेट होती है। इसके साथ साथ इसमें न्यू वर्जन आते रहते हैं। मतलब मान लो अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज परचेस कर लो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको कहीं ना कहीं कस्टमाइज अकाउंटिंग से, इसमें तो सॉफ्टवेयर का प्राइस कम ही दिखेगा, लेकिन इसमें टाइम टू टाइम अपडेशन आता रहेगा। और अपडेशन आने के बाद आप ये जो अपडेट करोगे उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। तो ओवरऑल जो ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होता है इसका भी कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके, इसमें दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यूनिक प्रोसेसिंग। दोस्तों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है ना ये कौन सा है, रेडीमेड ऑफ द शेल्फ, तो ये यूनिक प्रोसेसिंग के लिए नहीं बना हुआ। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ, इट इज जनरल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी की रिस्क तो है। सिक्योरिटी की रिस्क कैसे है, क्योंकि आपको जिसने सॉफ्टवेयर दिया है ना, उसने 1000 लोगों को सॉफ्टवेयर बेचा हुआ है और स्टोरेज उसके पास है। आप जो भी अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हो, जो क्लाउड पे डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोरेज वगैरह उनके पास होता है। तो ऑफकोर्स देर इज रिस्क होता है कि आपके डेटा का वगैरह लॉस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ बग्स। बग्स बग्स मतलब कुछ एरर होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, कुछ बग्स होते हैं, एरर होते हैं, तो वो एरर अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, तो वो बग की वजह से बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा जो बड़ा भी हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है इन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पैकेज। सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो मैं स्किप कर रहा हूं वो पार्ट। नाउ यूज, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज क्या है। फर्स्ट यूज है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोस्तों हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों यूज करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। सीधी सी बात है, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, फिर वो परचेस का हो, सेल का हो, रिसिप्ट का हो, पेमेंट का हो, तो बिजनेस में डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन हो गए वो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिस इज द फर्स्ट यूज, ये मोस्ट कॉमन यूज है। मतलब कोई भी कॉमन पर्सन जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेता है तो फर्स्ट यूज यही है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड यूज इज डेटर्स अकाउंटिंग। डेटर्स दोस्तों, डेटर्स मतलब कौन, डेटर्स मतलब ऐसा पर्सन जिसके हम पीछे लगते हैं। और देतर, अरे देतर, ऐसा जो पर्सन होता है इसको बोलते हैं डेटर। और इस डेटर का रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेंटेन रखना पॉसिबल होता है इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यस दोस्तों, अगर आप डेटर्स का अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, मतलब जैसे कि अभी पैसे आ गए, कुछ पैसे मिले, या फिर मैंने उसको क्रेडिट पे सेल किया, तो वो कंटिन्यूसली अप टू डेट होता है कि भाई पैसे, अगर पैसे मिल गए तो डेटर्स का बैलेंस लो हो गया, अगर मैंने क्रेडिट पे सेल किया तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं, ये फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो ये अप टू डेट डेटा आप मेंटेन कर सकते हो विद द यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पैकेज। ओके, सो डेटर्स अकाउंटिंग हम अप टू डेट मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोर्स अकाउंटिंग। दोस्तों स्टोर्स मतलब स्टोरेज। अगर हमारे बिजनेस में मल्टीपल गुड्स है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में, तो मान लो अगर मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक है, तो या फिर जनरल स्टोर्स टाइप बिजनेस वगैरह है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है, हंड्रेड से हजारों चीजें। ठीक है, अगर हम किसी मॉल में जाए, सुपरमार्केट में जाए, हजारों चीजें मिलती वहां पे, तो हजारों चीजों का स्टॉक कैसे मेंटेन रखेंगे।
एक एक चीज, कितना परचेस किया, कितना सेल हुआ, अभी कितना बचा हुआ है, गोडाउन में कितना है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली मैन्युअली करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके मान लो अगर आप एक सुपरमार्केट में 5,000 चीजें हैं, 5,000 आइटम्स, और ये 5,000 आइटम्स का स्टॉक मेंटेन रखना है डेली बेसिस पे, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अप टू डेट तो डेटा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है विद द यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके यस, ये पॉसिबल होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हाँ। सो दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टोर्स अकाउंटिंग भी पॉसिबल होता है, दिस इज वन ऑफ द यूज। नेक्स्ट यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का और क्या यूज है? पेरोल। अब ये पेरोल क्या होता है दोस्तों? पेरोल मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयज को पेमेंट किया जाता है ना, एम्प्लॉयज लेबर्स उनको जो पेमेंट किया जाता है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज पेरोल अकाउंटिंग। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉय का पेमेंट स्लिप है, उसका इनकम टैक्स डिडक्ट किया, या फिर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करना है, उसका पेमेंट करना है, एम्प्लॉय को लोन दिया, तो एम्प्लॉय के पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इजिली मेंटेन कर पाते हैं विद द यूज ऑफ पेरोल अकाउंटिंग। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि हम एम्प्लॉयज का प्रॉपर हिसाब रख सकते हैं, जिसके वजह से कभी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेटा अप टू डेट मेंटेन है। नेक्स्ट यूज जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, लेजर है, जर्नल है, ये सब चीजें जो मेंटेन रखी जाती है, जो हम 11th 12th में सीख रहे थे ना, वो सब कुछ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉसिबल होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट यूज इज कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों आज के डेट में जो बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऑलरेडी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी ग्रोइंग फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली यस वेरी नाइस, आप मेंटेन कर रहे हो, अच्छी बात है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब किसी चीज का कॉस्ट मेंटेन करना, कॉस्ट डेटा। सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं, अभी एक मार्कर, ठीक है, ये मार्कर अगर मैन्युफैक्चर करना है तो इसको प्लास्टिक लगेगा, मतलब मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंसेस लगेंगे, ये सब चीजें लाएंगे, इस पे प्रोसेस होगा, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब ये मार्कर जो मैन्युफैक्चर हुआ तो ये कितने में बना, ये कौन बता सकता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है, जैसे कि कॉस्ट रिपोर्ट है, कॉस्ट शीट है, ये सब कुछ हम मेंटेन कर सकते हैं द यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पैकेज। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द यूज। नेक्स्ट इज बजेटरी कंट्रोल। दोस्तों भाई हर एक का अपना अपना बजट होता है, वो देश का बजट हो या अपना जेब का बजट हो, बजट तो होता है। तो फिलहाल हम बिजनेस की जेब की बात कर रहे हैं, बिजनेस का जो बजट होता है सेल्स बजट, सेल्स कितना होगा, मतलब टेंटेटिवली सेल्स कितना होगा, परचेस कितना होगा, तो वो हिसाब से सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेस बजट, एक्सपेंस बजट, ये बजट बनाए जा सकते हैं, और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बन सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज। नेक्स्ट यूज जो है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नॉर्मली कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया जाता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला जाता है कि एग्जैक्टली एस्टिमेटेड बेसिस पे उसका कितना कॉस्ट आएगा, एक्चुअल में कितना कॉस्ट आया, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो बिजनेस में फ्लक्चुएशन होते हैं ना उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो ये हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम यस दोस्तों, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम जो है, मैनुअल मतलब जहां पे मैन ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन का जब इन्वॉल्वमेंट आता है उसे मैनुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यस, तुम्ही देव माणूस आहात, एवढं कंटेंट फ्री मध्ये कोणीच देत नाही, धन्यवाद। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? ओके, नॉर्मली देखो बच्चों 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आने वाला है, ऑफकोर्स तो 5 मार्क में 5 तो कंफर्म, एडिशनल 2 पॉइंट तो भी लिखना। ओके, मतलब 5 मार्क के लिए 5 तो पॉइंट सफिशियंट है, बट सेफर साइड प्लस 2, मेरे हिसाब से 7 पॉइंट लिखना। ठीक है, क्या बात है, चलो चलो बढ़िया बढ़िया, स्टूडेंट सब लोग आप हैंडल कर रहे हो। देखो प्रैक्टिकली बच्चों ये क्योंकि सेशन में ले रहा हूँ, कंटेंट बहुत देना है, इसलिए हर किसी का आंसर देना प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं है, बट हमारी टीम आपको हेल्प कर रही है, कंटिन्यूसली रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो जेन्युइनली जो डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो पूछ सकते हो। नाउ
लिमिटेशन ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की इतनी तारीफ हो गई, अभी अपनी मैनुअल की थोड़ी बदनामी हो जाए। मैनुअल मतलब जो हम ह्यूमन एरर करते हैं ना, जहां पे मतलब बोला जाता है ना, आदमी ये गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो होती रहती है, पर ऑफ कोर्स गलतियां करना में कोई बुराई नहीं है, गलतियां सुधारना नहीं ये सबसे बड़ी बुराई है। लेकिन फिलहाल मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या है इसके लिमिटेशंस, वो देखते हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। देखो ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम डेफिनेटली बेस्ट है, डेफिनेटली बेस्ट है, लेकिन क्यों है बेस्ट? देखो सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग में जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन होता है, काम का डुप्लीकेशन, जैसे कि जर्नल भी करना है, फिर लेजर भी बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस भी है, तो वही काम रिपीटेटिव करना पड़ता है, वो नहीं होगा इसमें। डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेशन होता है, दिस इज वन ऑफ द एरर, वन ऑफ द लिमिटेशन। फिलहाल हम मैनुअल अकाउंटिंग की निगेटिव बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ओवर टाइम, देखो भाई अगर अकाउंटिंग मतलब ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग बढ़ेगा, अगर अकाउंटिंग का काम बढ़ता है तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, और अगर स्टाफ बढ़ रहा है तो उसको ओवर टाइम के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो ओवरऑल स्टाफ की सैलरी या ओवर टाइम के चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ वर्क एंड एक्यूरेसी, देखो मैन्युअली जब काम होता है तो स्पीड डेफिनेटली कम हो जाता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। वहां पे 100 मिलियन का स्पीड था भाई, 100 मिलियन पर सेकंड, तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं आता, कंपेरिजन ही नहीं है। तो स्टाफ का थोड़ा स्पीड पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसमें एरर भी हो सकता है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती हर बार। मैनुअल अकाउंटिंग में एरर डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, और अगर एरर डिटेक्ट हो भी जाए तो रेक्टिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है, ओके। सो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में एरर फाइंड करना डेंजर काम है, डिफिकल्ट काम है, और एरर मिल भी जाए तो वो रेक्टिफाई करना हो तो उससे भी डेंजरस डिफिकल्ट काम है, ठीक है। यस, नेक्स्ट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज के सेशन के आखिरी पड़ाव पे है एडवांटेजेस, और इसके बाद है डिसएडवांटेजेस, इन टॉपिक को अलविदा, ठीक है। टॉपिक का मतलब आपको भी अलविदा, अरे नहीं, परमानेंटली नहीं, आज के सेशन की बात कर रहा हूँ, कल तो मिलने वाले दोस्तों। एंड में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो एंड में बने रहिएगा, कल के बारे में अपडेट मिलेंगे। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से हम टॉपिक वगैरह सिलेक्शन करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। एडवांटेजेस, तो दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड सब नहीं बताऊंगा, अब फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट, बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस के ओनर बिजनेस करने में टाइम नहीं है अकाउंटिंग में, ऑफकोर्स बिजनेस में टाइम जाना चाहिए, तो बिजनेस के लिए टाइम दे सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से। देखो दोस्तों अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैनेज भी करना है तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज या डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लिटिल ट्रेनिंग, थोड़ा सा भी ट्रेनिंग मिल जाए तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो और जूम करना पड़ेगा, ओके आपको जो पॉइंट है, जो आपको डाउट आ सकता है, इसलिए मैं पहले से जूम करके बस बता रहा हूं। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग कोर कैलकुलेशन। दोस्तों कोर कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कैलकुलेशन का सवाल ही नहीं आता, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, टोटल लेना है, कंप्यूटर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज, ये जो सिस्टम है इट अवॉइड्स ह्यूमन एरर। नॉर्मली इसमें ह्यूमन एरर नहीं होते, इनपुट प्रॉपर होना चाहिए, इनपुट प्रॉपर हो तो एरर का कोई चांस नहीं है, एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज वन ऑफ द मेन एडवांटेज जो है वो है एक्यूरेट फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन, तो इसमें बजट जो बनाया जाता है, बजट में प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से होता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। नियर अबाउट एक्यूरेट प्रिडिक्शन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स। कस्टमर के साथ अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग करना होगा तो अकाउंटिंग आपको, ये जो सॉफ्टवेयर है, बहुत काम की चीज है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जब लाइव में पढ़ाया था, अगेन एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, बहुत मस्त एग्जांपल है बच्चों, स्टोरी ठीक से सुनो बच्चों। कोरोना के टाइम की बात है, एक मेडिकल की बात है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं तो वो पूरा डेटा मेंटेन रखते हैं कि जो कस्टमर है उनका नाम और कस्टमर का मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, वो जो जो ऑर्डर प्लेस करते हैं सब डेटा मेंटेन रखा जाता था, ठीक है। तो हुआ ऐसा कोरोना के टाइम पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब बाहर निकलना अलाउड ही नहीं था, तो कस्टमर एक मेडिकल के एक कस्टमर थे, सीनियर सिटीजन दादाजी थे, तो वो दादाजी को बीपी और शुगर की बीमारी थी, तो वो हर महीने आते थे और वो टैबलेट्स लेके जाते थे। हुआ ऐसा कोरोना की वजह से उनको निकलना तो पॉसिबल हुआ नहीं, तो कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था और अचानक जो ओनर है, ओनर का मतलब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते थे, तो वहां पर उनको एक नोटिफिकेशन आया
तो नोटिफिकेशन क्या है, उन्होंने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन पे दिखाया गया था कि वो जो दादाजी है ठीक है, वो ए डेट पे दवाई लेने आते थे, वो अब तक आए ही नहीं, वो सेल हुआ ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर भी था। तो ऑटोमेटिकली उसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूज से मैसेज पहुंच गया दादाजी को, मैसेज मिल गया कि आपकी ये जो बीपी या शुगर के टैबलेट थी क्या आपको रिक्वायरमेंट है, यस और नो। ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा घर बैठे मिल रहा है, यस यस पे क्लिक किया और डिलीवरी देने के लिए मेडिकल के जो एग्जीक्यूटिव थे वो वहां पे उन्होंने डिलीवरी दे दी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कस्टमर और बिजनेस का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया, कितना भी डिस्काउंट मिल जाए वो दादाजी कहीं पे नहीं जाएंगे। डिस्काउंट क्यों ना हो, ऑफर क्यों ना हो, वो दादाजी ये शॉप छोड़ के कहीं पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी सर्विस मिली है लॉकडाउन में जहां पे कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उनको होम डिलीवरी में टैबलेट मिल गई। और ये किसकी वजह से हुआ, ओनर के टैलेंट की वजह से? अरे नहीं रे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज के स्मार्ट वर्क की वजह से। तो दिस इज द एडवांटेज, ये एडवांटेजेस होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें फर्स्ट देखो, मैनुअल अकाउंट्स आर जनरली इजियर टू सेटअप। मैनुअल अकाउंटिंग एकदम इजी है यार, सेटअप करना कुछ है ही नहीं, रजिस्टर लाया, पेन लाया, शुरू हो गए। लेकिन ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है, इसमें थोड़ा सेटअप, इंस्टॉलेशन, फिर वो सॉफ्टवेयर भी लगेगा, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। बाकी मैनुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेटअप करने में बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज कॉस्ट इज हायर। दोस्तों, पैकेज का जो कॉस्ट होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है उसका कॉस्ट हायर होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल। रजिस्टर का कॉस्ट कितना रहेगा यार, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, ओके। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जिसका कॉस्ट हजारों में होता है, ठीक है, तो ये कॉस्टली ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज नीड टू पे ईयरली मेंटेनेंस। दोस्तों, अगर आप एक बार सॉफ्टवेयर परचेस कर लो तो उसका एएमसी, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, शुरू हो जाता है। इवन सपोर्ट कॉस्ट, जो सपोर्ट सिस्टम होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उनको कॉल करो, वो आपको सर्विस देते, तो उसके चार्जेस अलग से लग जाते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट पैकेज विल टिपिकली सूट सम टाइप ऑफ बिजनेस। नॉर्मली स्पेशल बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सूट नहीं होता, जनरल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ योर कंप्यूटर डेटा इज करप्टेड बाय वायरस, भाई अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वायरस या फिर कंप्यूटर में वायरस घुस गया, फिर तो मतलब ऐसी समस्या है कि आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। इतना डिपेंडेंसी बढ़ गया आज के डेट में कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी और बिजनेस ही नहीं हो रहा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में अगर टाइम लग जाए तो फिर तो और समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर मेक इट इजियर फॉर यूजर टू अल्टर डेटा, मेकिंग फ्रॉड इजियर टू अकम्प्लिश। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में कैसा है, मैंने अगर एक एंट्री की तो ऑटोमेटिक सब अपडेशन हो जाता है, तो इसमें फ्रॉड करना भी तो ईजी ना। अगर मैंने एक एंट्री, मान लो मुझे कैश आया था 50,000 रुपीज का, मैं अकाउंटेंट हूँ, 50,000 रुपीज का कैश आया, मैंने वो एंट्री डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिक कैश अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा, वो कस्टमर का अकाउंट अपडेट हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली, सब कुछ टैली, तो एरर पकड़ने में डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डेटा अल्टर करना और फ्रॉड करना ईजी हो जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड एंटरिंग डेटा इनटू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू क्विकली मे रिजल्ट इन सीरियस एरर। और जो डेटा मेंटेन किया जाता है, जो अकाउंटिंग डेटा आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा दे रहे हो, इसकी वजह से सीरियस एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इट मे रिजल्ट इन सीरियस एरर्स, और वो एरर ऐसा रहेगा जो रेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और इसी डिसएडवांटेजेस के बाद हम बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। यस दोस्तों, मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि क्या है, कहाँ पे है क्लास। तो दोस्तों, केके कॉमर्स एकेडमी, ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है, ये फिजिकली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन नासिक महाराष्ट्र, एंड ऑनलाइन वी आर ऑफकोर्स एवरीवेयर। हमारे स्टूडेंट्स बहुत जगह पे जुड़ चुके हैं, इवन वी हैव कंडक्टेड लेक्चर्स और इवन प्रॉपर बैच इन जम्मू काश्मीर ऑल्सो, ओके, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कनेक्टिविटी। हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग का क्वालिटी कंटेंट है, इसके वजह से हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों की भी स्पेशल बैच कंडक्ट कर ली है, ठीक है। हमारी टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं, वन बाय वन आपको सबका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड बाय पैशन आई एम टीचर, आपके लिए फुल टाइम डेडिकेटेड हूँ। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीए आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल, फुल टाइम बस टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो दोस्तों, 2016 से सीए बनके 23 एज में सीए प्लस एमकॉम साथ में ही कंप्लीट किया। दोस्तों, कम डिफिकल्ट है, इजी है, ये बताना मतलब मुश्किल है, इजी तो कुछ चीज होती नहीं है। अगर सब कुछ इजी कोर्स करके मैं आपके सामने अब होता तो शायद आपके सामने ही ना होता, ओके। सो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट,
ये याद रखो, इसके लिए बहुत टैलेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। दोस्तों बहुत टैलेंट होने की जरूरत नहीं है, टैलेंट कम भी हो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों से ही काम होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी स्पेशलिटी ये है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स है साइंस वगैरह से, स्पेशली उनके लिए हम एकदम बेसिक से टीच करते हैं। तो हमारा जो फुल कोर्स भी है, मतलब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी क्लासेस लेते हैं, एमबीए के भी क्लासेस है, एमकॉम के भी क्लासेस है, तो आप उसके लिए डेफिनेटली सोच सकते हो। हम पूरा बेसिक से जीरो से ऐसे सिखाते हैं कि एज इफ आपको कोई अकाउंटिंग का बेस नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, या आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इस हिसाब से हम पूरा जीरो से सिखाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ हमारे बारे में दोस्तों। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कल आपको कौन सा टॉपिक एक्सपेक्टेड है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, आपको बस नंबर में बताना है। जनता क्या चाहती है, लेट्स सी जनता क्या चाहती है। यस वी आर नासिक कर, मानसी जी आप भी नासिक से हो, बढ़िया। ऑफलाइन पुणे मध्ये घ्या ना, अरे आएंगे ना ऐश्वर्या जी, क्यों नहीं, जल्दी ही आएंगे। लेट्स सी आपका कितना सपोर्ट मिलता है, ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलते रहे तो जल्दी ही पुणे में भी हम ब्रांच खोलेंगे यार, जल्दी ही जगह जगह पे पहुंचेंगे, आप तक आना ही है। फिलहाल तक आप हम तक पहुंच रहे हो, यही अच्छी बात है ना। और दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ नहीं समझता, ये जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये हमने दूर कर दिया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, सी ए जैसे एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, कॉमर्स के जो ग्रेजुएशन वगैरह है वहां पे टॉप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने ऐसा फील दिया है, हम जो गूगल मीट पे लेक्चर लेते हैं लाइव लेक्चर, तो ऑफलाइन का ही फील होता है। ओके अरे 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 सब की सब रिक्वायरमेंट है। यस तो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट वेरी है, चैप्टर 2, 3, 4, तो 2 और 4 के लिए ज्यादा वोटिंग है एज कंपेयर टू 3। ओके तो कल हम ऐसा करेंगे, चैप्टर नंबर 4 पहले लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, एग्जाम के एक दिन ऐसा लेंगे ना बच्चों, ऐसा एकदम ताजा ताजा गरम गरम रहेगा ना, फ्रेश फ्रेश। एग्जाम के एक दिन पहले 24 को लेंगे, 25 को एग्जाम है, आपको 15 में से 15 मिलने ही चाहिए, मिलेंगे ही, वो हिसाब से आपसे तैयारी करवा लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 1 पूरा रिवाइज किया, ये सेशन में से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वापस एक देख लीजिएगा, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इसका लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ये पीडीएफ के बारे में बात करना चाहते हो, सर ये कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों इसका भी लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, सब चीजें है, आपको नोट्स भी मिल रही है, आंसर बैंक मिल रहा है, ये लेक्चर भी मिल रहा है, बस एप्लीकेशन में मिलेगा बच्चों, डोंट डिमांड पर्सनली। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि बस व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के जो मैसेज आता है ये पाठवा ते पाठवा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पाठवा नहीं पॉसिबल। स्टूडेंट्स आपके लिए हमने सब कुछ ऐप में अवेलेबल करवा दिया है जो फ्री है, तो इतना तो कष्ट ले ही सकते हो। ऐप पे जुड़ जाओ, ऐप जाओ, डाउनलोड करने के बाद चैट बॉक्स में बस रिप्लाई कर दो FYBCOM 2122, सो दैट हम आपको बैच में ऐड करवा देंगे और आपको सब कंटेंट इजीली मिलेगा। यस लाइक तो कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनसे तो बहुत नाराजी है यार, लेक्चर देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। यस ओके इंग्लिश का पेपर सोपा होता, यस इंग्लिश का पेपर सोपा होता, पुढचे पण सगळे पेपर सोपे जाणार, आमची टीम तुमच्या लास्ट पेपर पर्यंत, पेपर के साथ भी पेपर के बाद भी, क्योंकि आपने इंग्लिश के पेपर के बाद देखा पेपर का पोस्टमार्टम वैसा हर पेपर का देखोगे, तो पेपर के बाद भी हम आपके साथ हैं। ओके सो स्टूडेंट्स चलो आज का दिन हम करते हैं टाटा बाय बाय अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आज जितने बच्चे आए हैं कल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इससे डबल हो। दोस्तों आप में और आपके सोशल मीडिया में बहुत पावर है, आप हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर प्लेटफॉर्म पे आपको बस बताना है कि ये KKCA आपको फ्री में 4 दिन कंटेंट अवेलेबल कर रहे हैं, तो वो तो देखना ही देखना है। और डाउट सॉल्विंग करना है तो संजीवनी बूटी जल्दी ही परचेस करना मत भूले। चलो स्टूडेंट्स कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।